Hello everybody, welcome to our YouTube channel. This is your PM ma'am. तो आज के सेशन में ये नीट 22 का एक सुपर फास्ट जो है बेटा मैराथन होने वाला है, जिसमें हम 800 प्लस क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, तो बिना किसी देर के हम आज का ये सेशन शुरू करेंगे. इसमें हम लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने वाले हैं. तो नीट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुपर फास्ट बायोलॉजी का फाइनल रिवीजन यहाँ पे अभी इस यूट्यूब चैनल पे होने वाला है, जिसमें से आपको कल के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी एंड यू माइट बी एबल टू सी यू नो मैनी रिपीटेड क्वेश्चंस ओवर हियर. कौन कौन मेरा बच्चा आज का सेशन करने आ चुका है? संस्कृति, प्रधु एंड सिया, देवस्मता, दर्शन, जॉर्डन, खंडू, प्रतिभा, निशा, रुपसाना, रोहित, गिलहरी, संस्कृति, क्लची, तुषार, लोकेश, जेमी. हेलो एवरीबॉडी, हेलो हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. तो अभी अपन बिल्कुल भी सेशन में टाइम नहीं लगाते हुए क्या करेंगे, सेशन को शुरू करेंगे. सबसे पहले हम कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? सबसे पहले हम स्ट्रैटेजीज वाला चैप्टर शुरू करेंगे एंड इसमें जल्दी जल्दी क्वेश्चंस लगाते हैं कि किसका आंसर क्या है बेटा. ठीक है, तो मैं कलर रेड चूज़ कर रही हूँ अभी मॉक के लिए. चलो, फिश विच इज़ यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मस्किटो इज़, फर्स्ट का आंसर बताना कमेंट बॉक्स में शुरू कर दीजिए. इट इज़, आ जाओ बेटा सोहेल, स्नेही. तो ये होती है गैम्बूशिया. ये क्या होती है? एक लार्वी पैरस फिश होती है जो मस्किटे को क्या करती है, मस्किटो के लार्वे को खा जाती है. सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय, सिल्क कौन प्रोड्यूस करता है? ठीक है, तो सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय, वेरी गुड, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय दी लार्वा. ठीक है, क्वीन का क्या फंक्शन होता है बेटा? क्वीन बैठ के सिर्फ एग ले करती है, क्वीन कुछ नहीं करती है. नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 पे. रानीखेत डिसीज इज एसोसिएटेड विथ, रानीखेत डिसीज किस में देखने को मिलती है? तो ये हैंस में यानी कि पोल्ट्री में देखने को मिलती है. सेकेंडरी प्रोडक्ट कौन सा माना जाता है? तो हमें हमेशा लगता है कि हनी क्या है, प्राइमरी प्रोडक्ट है, बट ओरिजिनल में हनी उसका सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है. ठीक है, नागपुरी बफेलो क्या है? मिल्कर है. एग्जॉटिक ब्रीड ऑफ पोल्ट्री यहाँ पे आप लोगों को बताना है. एग्जॉटिक ब्रीड क्या होती है पोल्ट्री की? तो RIR है और वाइट लेगहॉर्न है. दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई अंडे देती है तो वो वाइट लेगहॉर्न देती है. ठीक है, बहुत ज़्यादा एग ले करती है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए इसको रियर किया जाता है. ठीक है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए इसको रियर किया जाता है. ठीक है, वेरी नाइस आंसरिंग बेटा, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो तुम लोग, ऐसे ही आंसर करते जाना. मोएट इज़ दी मेथड ऑफ, मोएट कैसी मेथड है? तो मोएट एक ऐसी मेथड है जिसमें हम कैटल का हाइब्रिडाइजेशन करते हैं. क्या करते हैं बेटा? कैटल का हाइब्रिडाइजेशन. मोएट कल एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बेटा. मोएट के बारे में कुछ बातें हैं जो बड़ा आप ध्यान से सुनिए तो आपको भी समझ में आएगा कि क्या क्या क्वेश्चन मोएट के आते हैं. मोएट में आता है कि कितने एग ट्रांसफ़र किए जाते हैं, कितनी सेल्ड स्टेजेस होती है, और क्या ये सर्जिकली किया जाता है कि नॉन सर्जिकली किया जाता है. ये सारे क्वेश्चंस आपको मोएट के देखने को मिलेंगे. कौन सा हार्मोन एडमिनिस्टर किया जाता है? FSH हार्मोन एडमिनिस्टर किया जाता है, ये एग्ज़ाम में आएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए. इंडिया में वाइट रिवॉल्यूशन किसने किया था? ठीक है, वाइट रिवॉल्यूशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अरे भैया, सेशन पे इतने कम लाइक्स कैसे? लाइक कर दो बेटा बिल्कुल सेशन को, सुपर फास्ट सेशन को लाइक करना है अपन को. ठीक है, तो वर्गिस कुरियन जो है वाइट रिवॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया है, स्ट्रैटेजीज़ के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज कर लिया है, एक चैप्टर डाउन. ग्रीन रिवॉल्यूशन के कौन है? MS स्वामीनाथन है. ठीक है, MS स्वामीनाथन है इंडिया में, बाहर नॉर्मन ई बर्लॉग है. ठीक है, तो ये हमने स्ट्रैटेजीज़ कम्प्लीट करा. अब हम सेकेंड चैप्टर पे आते हैं और जो सेकेंड चैप्टर है वो क्या है? वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़.
सेकेंड चैप्टर पे आ जाओ बेटा। हमने स्ट्रेटजी का कुछ कुछ रिवाइज कर लिया, अब हम किस पे आएंगे? अब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पे आने वाले हैं। क्या मेरा बच्चा रेडी है क्या? चलो ह्यूमन हेल्थ शुरू कर दें क्या जल्दी से? कम ऑन, आ जाओ ह्यूमन हेल्थ पे आ जाओ। इम्यूनाइजेशन इज बेस्ड ऑन, इम्यूनाइजेशन किस पर बेस्ड होता है बताओ? इम्यूनाइजेशन इज बेस्ड ऑन, इम्यूनाइजेशन किस पर बेस्ड है? तो इम्यूनाइजेशन बेस्ड होता है मेमोरी पे। किस पे बेस्ड होता है? मेमोरी पे बेस्ड होता है। वर्टिब्रेट्स के पास स्पेशली आप देखोगे इम्यून सिस्टम होता है, क्योंकि उनके पास मेमोरी होती है। उनके पास क्या होती है? मेमोरी होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विडाल टेस्ट इज एम्प्लॉयड फॉर डिटेक्टिंग। विडाल टेस्ट क्या डिटेक्ट करने के लिए होती है? आपको तो पता ही होगा बेटा, ये तो कितना कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। विडाल टेस्ट होती है टाइफॉइड के डिटेक्शन के लिए। टाइफॉइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। ये कौन से जगह को अफेक्ट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। इसके बारे में हमको और क्या पता है? कि जो मैरी मैलन नाम की है, ठीक है, मैरी मैलन नाम की आंटी थी, वो टाइफॉइड कैरियर थी, है ना। टाइफॉइड मैरी के नाम से उनको जाना जाता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे निमोनिया कॉज करता है। क्या आप लोग बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे है वो एक बैक्टीरिया है कि वायरस है? वेरी गुड सयाली, विष्णु, नित्या, आयुष, हिमांशी, शागुफ्ता, क्लची, सुकृति, नीट एस्पिरेंट, यशराज, MRS, नाज, श्रेया, इट इज़ निमोनिया। चलो प्लाज्मोडियम एंटर करता है ह्यूमन बॉडी एस। प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में कैसे एंटर करता है? स्पोरोजॉइट के फॉर्म में करता है। अगर कोई आपसे पूछे कि इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है, तो भी आप क्या बताओगे? तो भी आप स्पोरोजॉइट बताओगे। क्वेश्चन नंबर 5th पे आते हैं बेटा। रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड हाई फीवर। चिल एंड हाई फीवर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो जब RBC रप्चर होती है तो उसमें से एक टॉक्सिन निकलता है, ठीक है, दैट इज़ हीमोजोइन। ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है चिल्स के लिए और हाई फीवर के लिए। हाउस फ्लाइज आर मैकेनिकल कैरियर ऑफ। हाउस फ्लाई किसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है? अमीबा को। जितनी भी गंदी डिसीजेस है, अमीरा है, डिसेंट्री है, ठीक है, उसमें हाउस फ्लाई का एक रोल रहता ही है, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो। चलिए ये डायग्राम बता रहा है रिंगवॉर्म, ठीक है। इसमें से रिंगवॉर्म किससे नहीं होता है? रिंगवॉर्म किससे नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 7। माइक्रोस्पोरम से होता है? होता है, होता है। ट्राइकोफाइटॉन से होता है? बिल्कुल होता है। एपिडर्मोफाइटॉन से होता है? वुचरेरिया से नहीं होता है। तो फिर वुचरेरिया से क्या होता है बेटा? वुचरेरिया एक फिलेरियल वॉर्म है। ये क्या कॉज करता है? वुचरेरिया मलाई, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, एलिफेंटियासिस कॉज करता है। एलिफेंटियासिस में क्या होता है कि जो नीचे के पैर है, जो लोअर लिम्ब है, उनकी जो लिम्फेटिक वेसल्स है उसमें रहने लगता है, उसको बड़ा कर देता है। इसको हाथी पाव बोलते हैं हिंदी में। चलो क्वेश्चन नंबर 8। एड्स इज ड्यू टू। एड्स किसकी वजह से है? एड्स इज ड्यू टू। एड्स किस वजह से होता है बेटा? तो जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, जब उनका जो नंबर है वो कम हो जाता है, तब हमको एड्स के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एड्स क्या है? HIV वायरस से होता है। न्यूक्लिक एसिड कैसा होगा? HIV वायरस का न्यूक्लिक एसिड कैसा होगा बेटा? तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा। इसकी दो कॉपीज उसके पास प्रेजेंट होती है। किसकी? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA की। नेक्स्ट पे आते हैं। कैंसर का बेस्ट डायग्नोसिस किसे बोलेंगे, है ना। बेस्ट अगर हमको अगर डायग्नोस करना है कैंसर को, तो बेस्ट डायग्नोसिस कैसे होता है? बेस्ट डायग्नोसिस कैसा होता है?
तो बायोप्सी की मदद से क्या होता है, बेस्ट डायग्नोसिस होता है। इसमें हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, टिश्यू को ध्यान से देखते हैं। कार्सिनोमा यानी कि किसका कैंसर होता है बेटा, कार्सिनोमा इज द कैंसर ऑफ स्किन टिश्यू का होता है, इंटरनल ऑर्गन्स का होता है, तो मेनली एक्टोडर्म और एंडोडर्म का होता है। कार्सिनोमा का क्या मतलब है, तो कार्सिनोमा मतलब स्किन कैंसर एक टाइप का। तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, किसका होता है, स्किन का होता है बेटा, स्किन का। कॉजेटिव फैक्टर ऑफ कैंसर, कैंसर कौन कॉज करता है, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को क्या बोलते हैं, तो जो कैंसर कॉज करते हैं उसे कार्सिनोजेंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरफेरॉन, ठीक है, इंटरफेरॉन एंटीवायरल प्रोटीन्स होते हैं जो वायरस इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब वो वायरस इन्फेक्टेड सेल इंटरफेरॉन प्रोड्यूस करता है तो ये वायरस के पास जाता है और ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन को, मतलब ये ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन को स्टिमुलेट करता है ताकि ट्रांसलेशन रुक जाए। एंटीजन, एंटीजन क्या है, वॉट डू यू मीन बाय एंटीजन, एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने वाले को एंटीजन बोलते हैं, है ना। जो भी इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर दे कि उससे एंटीबॉडी रिलीज हो जाए, दैट इज एंटीजन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है बताओ, रोहित, अद्रजिका, तमालिका, वैभव, पांडा, तुषार, आफ्टर क्रैक नीट, आकाश, शिवानी, अर्श, मंतशा, एमी, मासूम, निकी, एमआरएस, स्वप्नल, शिवानी, खुशी। तो इसमें क्या रहता है बेटा, इसमें थाइमस रहती है और बोन मैरो रहती है, जो किसकी तरह काम करती है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की तरह। NM, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स क्या करते हैं, तो जो न्यूट्रोफिल्स रहते हैं और जो मोनोसाइट्स रहते हैं ये क्या करते हैं बेटा, फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग, दूसरे सेल को जा के खा जाता है बेटा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इम्यून सिस्टम रिटेन करता है मेमोरी, है ना, वैक्सीनेशन के टाइम। वैक्सीनेशन किसका एग्जांपल है, जैसे आप लोगों ने अभी कोविड का वैक्सीनेशन लिया होगा, है ना, तो क्या करता है ये, तो वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं, इनएक्टिव एंटीजन या फिर वीकेंड एंटीजन देते हैं, जिससे बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाती है। जब बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाती है तो इसे क्या बोलते हैं, एक्टिव बोलते हैं, ठीक है। और पहली बार अगर कोई चीज़ जा रही है और उसके उसमें रिस्पॉन्स मिल रहा है तो उसको प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। सर्जिकल रिमूवल अगर थाइमस का कर देते हैं बच्चे में से तो क्या होता है, तो थाइमस बहुत इम्पॉर्टेंट है टी लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन के लिए, ठीक है। तो फिर टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, मैच्योर नहीं हो पाते हैं अगर थाइमस क्या हो जाता है, अगर थाइमस को रिमूव कर देंगे। इम्यूनिटी क्या हो जाती है बेटा, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। शिवानी, अभिषेक, वेरी नाइस, वेरी नाइस। वैक्सीन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, ये वैक्सीन क्या होती है बेटा, तो वैक्सीन एक इनएक्टिव पैथोजन होती है, वीक पैथोजन होती है, जो हमें देते हैं ताकि हम खुद क्या कर पाए, हम खुद एंटीबॉडीज बना पाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, इम्यूनाइजेशन इज बेस्ड ऑन, इम्यूनाइजेशन किस पे बेस्ड है बेटा। ये एक बहुत ही प्रोडक्टिव सेशन है, आप लोग रियलाइज करोगे, इतनी जल्दी जल्दी अभी आपको MCQs रिवाइज हो जाएंगे। जितने MCQs आपकी नज़रों के सामने से जाएंगे ना, उतनी जल्दी कल आपको याद आएगा, ठीक है। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन मेमोरी पे बेस्ड है। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनती है,
यीस्ट की मदद से बनती है। दोनों ही बातें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आज आंसर दे सकते हो तुषार। तो टबैको चूइंग, जो टबैको को चबाते हैं, तम्बाकू चबाते हैं, उनको क्या होता है? माउस कैंसर होता है, यहाँ पे ट्यूमर हो जाता है, ठीक है। ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ओपियम कहाँ से ऑब्टेन होता है? तो ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेपेवर सोमिनीफेरम, ठीक है, सोमिनीफेरम से। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरिजुआना, गांजा, एलएसडी, ठीक है, ये सब क्या है? हेलुसिनोजन है। एलएसडी किससे मिलता है बेटा? क्लेविसेप्स परप्यूरिया से मिलता है। हेलुसिनोजन है यानी कि भ्रमित करेंगे। अरे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो पहले ही लीक हो गया, क्लेविसेप्स। कैनबिस सटाइवा, कैनबिस सटाइवा यील्ड्स, कैनबिस सटाइवा क्या करता है? आ जाओ बेटा, यमराज क्लास में आया है बेटा, क्या चाहते हो तुम नीट के एक दिन पहले? आप क्यों यमराज बन के क्यों आए हो तुम? हाँ नलायक, ठीक है। तो कैनबिस सटाइवा सारी चीज़ों को यील्ड करता है। इन द लिवर एल्कोहल इज कन्वर्टेड इंटू विच टॉक्सिक सब्सटेंस, है ना? तो लिवर में एल्कोहल जाके क्या बनाता है? एसिड अल्टीहाइड बनाता है। क्या बनाता है? एसिड एसिटल्डिहाइड बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, डायग्राम इज शोइंग स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये कैनबिनॉइड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। इसका आंसर आप ही बताओ कि क्या प्रिवेंशन और कंट्रोल करना है अल्कोहल और ड्रग अब्यूज़ का, तो क्या चीज़ें करनी चाहिए? क्या चीज़ें करनी चाहिए बताओ? तो पीयर प्रेशर नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प मिलनी चाहिए, डेंजर साइन के लिए लुक करो, काउंसलिंग, ए बी सी डी ई। तो बेटा हमने दो चैप्टर्स का एमसीक्यू रिवाइज कर लिया है, अब हम कौन से चैप्टर का एमसीक्यू रिवाइज करेंगे? अब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एमसीक्यू रिवाइज करेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एमसीक्यू रिवाइज करने वाले हैं, तो उसी बात पे पहले सेशन को जल्दी से क्या कर देना है आप लोगों को? लाइक कर दो, ठीक है। जितने भी बच्चा अभी 800 सुपर फास्ट क्वेश्चंस का पार्ट है, बिल्कुल बिल्कुल सेशन लाइक हो जाना चाहिए बेटा आज का, तो ठीक है, बहुत हेल्प होगी इससे आपको कल के पेपर में। और अब अपन शुरू कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एमसीक्यू। एमनियोसिंटेसिस, एमनियोसिंटेसिस क्या होता है बताओ? व्हाट इज एमनियोसिंटेसिस? इन विट्रो डायग्नोसिस होता है? नहीं, एलेंटोइक फ्लूइड निकालते हैं, एमनियन फ्लूइड निकालते हैं। कौन सा फ्लूइड? केमिकल कंपोजिशन ऑफ फ्लूइड, पर कौन सा फ्लूइड? तो फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा क्या है? अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज करेक्ट अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में क्या करेक्ट है? 200 लाइक्स कर दो बिल्कुल बेटा सेशन पे। करेक्ट क्या है? तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, लेकिन जो बेबी का डेवलपमेंट है, जो गेस्टेशन है, वो वर्म के अंदर, वूम के अंदर होता है, मदर के यूटरस में। अगर हम एबनॉर्मैलिटीज़ को स्टडी कर रहे हैं एमनियोटिक फ्लूइड की मदद से, तो इसे क्या बोला जाता है? द स्टडी ऑफ एबनॉर्मैलिटी, इसे एमनियोसिंटेसिस बोला जाता है, ठीक है। इससे सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता था और फीमेल फीटिसाइड होने लग गया, इसीलिए इसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। नॉट लेजिटिमेट फॉर रिड्यूसिंग बर्थ रेट, अभी क्या करना है ना कि बर्थ के रेट को कम करना है, तो उसके लिए कौन सी चीज़ है जो लेजिटिमेट नहीं है? कौन सी चीज़ लेजिटिमेट नहीं होगी? तो मैरिजेस को बैन करना, शादी मत करो, बर्थ रेट रिड्यूस करना है, तो ये लेजिटिमेट नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पर्पस ऑफ ट्यूबेक्टॉमी इज टू प्रिवेंट, ट्यूबेक्टॉमी क्या प्रिवेंट करता है?
तो ट्यूबेक्टॉमी में फलोपियन ट्यूब को कट करके लाइगेट करेंगे, एग बनेगा तो, पर एग का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा फलोपियन ट्यूब के बाहर। तो फिफ्थ का आंसर क्या है? फिफ्थ का आंसर सही, वेरी गुड। सौरभ, नित्या, शिवानी, यमलेश, रिजवान, तुषार, वैसेक्टॉमी इज। वैसेक्टॉमी क्या होता है? वास डिफरेंस को क्या कर देना है? कट कर देना है। मेल में होती है ये, ठीक है, से वसेक्टॉमी बोलते हैं। मतलब स्पर्म्स बनेंगे पर गैमीट का ट्रांसपोर्ट जो है नहीं हो पाएगा। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, देखो एग्जाम में इसको आईयूडी के नाम से भी पूछ सकते हैं और इसको आईयूसीडी के नाम से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, दोनों पूछ सकते हैं। तो आईयूसीडी क्या होती है बेटा? इसमें से कॉपर टी होती है, कॉपर सेवन होती है ना। अ कॉन्ट्रासेप्टिव इज, इसमें से कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है? वॉट इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव? तो कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है? पिल भी हो सकती है, बैरियर मेथड्स जैसे कि कॉन्डम है, सर्वाइकल कैप है, डायफ्राम है, वो भी हो सकता है। अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कंटेन्स प्रोजेस्टेरॉन भी होता है और साथ में इस्ट्रोजन भी होता है। द पार्टनर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का जो जेंडर है, बच्चे का जो सेक्स है, वो कौन डिटरमाइन करता है? मेल डिटरमाइन करता है। अगर मेल से एक्स जाता है तो गर्ल बनती है, और मेल से वाई जाता है तो क्या बनता है? बॉय बनता है। नेक्स्ट, एम टी पी क्या है? तो एम टी पी जो है दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल प्रिवेंट करता है ओव्यूलेशन को। अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन बाय, ठीक है, तो इनिबिट करता है रिलीज को, है ना, FSH और LH को रिलीज नहीं होने देता है। एलिज की सर्च से ही ओव्यूलेशन होता है, तो फिर ओव्यूलेशन नहीं होगा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेन्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि पिल्स, ठीक है, तो पिल्स में क्या होती है बेटा? तो जो पिल्स होती है उसमें होता है प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट, एमनियोसिंटेसिस इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग, एमनियोसिंटेसिस क्या डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करते हैं ना? एमनियोसेंटेसिस इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग, तो एम्ब्रियो के अंदर जो भी हेरिडिटरी डिसीज है, ठीक है, उसको डिटरमाइन करते हैं। हार्ट, ब्रेन, क्लेफ्ट पैलेट, ये सब नहीं डिटरमाइन होता है। जॉइंडिस, ये नहीं डिटरमाइन करते हैं, हेरिडिटरी डिसीज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? तो प्रोजेस्टेरॉन है, या प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में रहेगा। ट्यूबेक्टॉमी एक मेथड है पॉपुलेशन कंट्रोल की, कौन परफॉर्म करता है बेटा उसको? ट्यूबेक्टॉमी 16, तो ट्यूबेक्टॉमी यानी कि फलोपियन ट्यूब को कट करके लाइगेट करना है। फलोपियन ट्यूब किसके पास है? फीमेल्स के पास है। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज रिलेटेड टू मेल्स, मेल से रिलेटेड वैसेक्टॉमी है। चलो कंसिडर दी स्टेटमेंट और बताइए हाउ मैनी ऑफ दी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, आपको करेक्ट करेक्ट बताना है। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, जरा पढ़ो और बताओ क्या करेक्ट होगा। बिल्कुल बेटा, सेशन को लाइक कर दो सभी स्टूडेंट्स, रॉक स्टार्स, ठीक है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी फर्स्ट में सेफ रहता है, निल नहीं रहता है बेटा, 2 साल तक, 6 मंथ तक वो रहता है। इंट्रा यूट्राइन सही है, 1 वीक लेते हैं क्या? आफ्टर 1 वीक 72 आवर्स के अंदर लेना होता है, तो सिर्फ ए और सी ही क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाएंगे बेटा, मैच तो कॉलम है क्वेश्चन नंबर 19, जरा जल्दी से मैच कर दो इस चीज़ को। वॉट इज क्वेश्चन नंबर 19? मैची मैची जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 19 को मैच किया क्या? तो पिल ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करती है, कॉन्डम्स स्पर्म्स को सर्विक्स तक नहीं पहुंचने देते, वैसेक्टॉमी में सीमन तो निकलेगा पर उसमें स्पर्म्स नहीं रहेंगे, और कॉपर टी इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है। चलो अभी बहुत इजी इजी क्वेश्चन आने वाला है, ये क्वेश्चन का आंसर सभी को पता ही होना चाहिए जो भी बच्चा कल नीट दे रहा है, इतना इजी क्वेश्चन है ये। बताओ जरा जल्दी से, फर्स्ट कंट्री जो वर्ल्ड की है जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाया, तो ये इंडिया है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कौन से ईयर में आया? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कौन से ईयर में आया? 1951 में आया। सहेली एक एंटी फर्टिलिटी पिल है, किसके लिए यूज़ होती है, उसको कैसे यूज़ करते हैं? वीकली यूज़ करते हैं, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन था बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन थे ना तीनों के तीनों। चलिए वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स अ बेबी बॉर्न व्हेन? टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब ऐसा बेबी जो फर्टिलाइज बाहर हुआ है टेस्ट ट्यूब में, पर फिर उसे यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉपर टी? कॉपर टी क्या करता है? कॉपर टी क्या करता है? फर्टिलाइजेशन को रोकता है। तो बेटा हमने तीन चैप्टर का एमसीक्यू कर लिया, हमने स्ट्रैटेजीज का कर लिया, हमने हेल्थ का कर लिया, हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कर लिया। चलो अब आ जाओ ज़रा इवोल्यूशन का क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इवोल्यूशन आता है एंड बहुत सारे बच्चों का इवोल्यूशन अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाता है, ठीक है। तो मैं तुम्हें इवोल्यूशन के क्वेश्चन करवाती हूँ, कल देखना इसी में से आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है बेटा, ठीक है, इसी में से आने की प्रोबेबिलिटी है बहुत बहुत सारी, ठीक है। चलिए आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे, इवोल्यूशन के क्वेश्चंस पे आना है बेटा जल्दी से सबको। क्वेश्चन नंबर 1, तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में सब कुछ था, ऑक्सीजन नहीं था, आपको ऑक्सीजन को रिमूव करने, फर्स्ट का आंसर 3। बेटा जिसका भी इवोल्यूशन वीक है, ये जो मैं क्वेश्चन करवाऊँ इसको ध्यान से करो, कल पेपर में यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। कौन सा कंपाउंड इन द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन ऑफ द लाइफ? तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से अपन को लगा कि हाँ भैया लाइफ का ओरिजिन तो यहीं से होने वाला है, ठीक है, लाइफ का ओरिजिन तो यहीं से होने वाला है। नेक्स्ट पे आ जाओ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ की ओरिजिन के लिए क्या है? तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर लाइफ की ओरिजिन के लिए कुछ है तो बेटा वो पानी है, बिकॉज लाइफ कहाँ ओरिजिनेट हुई? वाटर में ओरिजिनेट हुई। आपने देखा है कि जो आपका सेल है उसका 70-90% भी क्या है, वो भी वाटर ही तो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, पाश्चर ने डिसअप्रूव कैसे किया स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, है ना? तो उन्होंने स्वान नेक फ्लास्क लिया, है ना, और उन्होंने क्या करा बेटा, मैं इसका एक्सपेरिमेंट बताती हूँ, ठीक है। इन्होंने क्या करा, उन्होंने जब एक स्वान नेक वाले फ्लास्क में हीट किल्ड यीस्ट रखा और ये बंद कर दिया तो कोई नहीं आया, पर इसको फ्लास्क को ओपन करा तो दूसरे ऑर्गेनिज्म आने लग गए, मतलब लाइफ लाइफ से ही आती है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आया कैसे? अर्ली अर्थ में तो बेटा ऑक्सीजन था ही नहीं, अर्ली अर्थ तो कैसी थी, रिड्यूसिंग थी। अर्ली अर्थ कैसी थी, रिड्यूसिंग थी। फिर क्या हो गया बेटा, फिर ऑक्सीजन कैसे आया? तो ब्लू ग्रीन एल्गी ने फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन को रिलीज किया। बेटा कैन वी गेट 300 लाइक्स तुरंत बिल्कुल अपने सेशन पे, क्योंकि वन शॉट आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो रहा है, आप देख रहे हो एक एक चैप्टर करके सब इम्पॉर्टेंट। तो ओपेरिन ने कोसर्वेट्स टर्म दी, ठीक है। वाटर जो था प्रिमिटिव सी का, उसको हॉट बायोटिक सूप किसने बोला? हेल्डेन ने बोला। ओपेरिन का थ्योरी किस पे बेस्ड है? तो जो ओपेरिन का थ्योरी है वो बेस्ड है आर्टिफिशियल सिंथेसिस पे, यानी कि केमिकल इवोल्यूशन पे, कि केमिकल आया और केमिकल की वजह से क्या हो गया, ये इवोल्यूशन हो गया। सबसे लॉजिकल थ्योरी किसकी लगती है बेटा? तो ओपेरिन एंड हेल्डेन की जो थ्योरी है सबसे ज़्यादा लॉजिकल भी लगती यही है,
एंड सबसे ज़्यादा सही भी यही है. क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे, कौन सी चीज़ें अपियर हुई? तो सबसे पहले क्या आया? तो सबसे पहले अमोनिया आया, NH3. सबसे पहले तो NH3 बना, ठीक है. पहले मतलब कार्बन का एटम था, हाइड्रोजन का था, नाइट्रोजन, सब ऐसा, उससे NH3 बना, एक मॉलिक्यूल बना. फिर इससे अमीनो एसिड्स बने. जब 800 डिग्री सेल्सियस पे हमने एक्सपेरिमेंट्स करके देखे, है ना, तो अमीनो एसिड्स बने थे ना, एलेनिन, है ना, ग्लाइसिन वगैरह. फिर उसके बाद अमीनो एसिड्स जुड़ के प्रोटीन बने, और फिर प्रोटीन्स में म्यूटेशन आया और न्यूक्लिक एसिड बना. फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे आया वो कैसा था? तो पहला ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे आया, ठीक है, वो क्या था? वो हेटरोट्रॉफ था. वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकता था. ऑर्गेनिक कंपाउंड से लाइफ आई, ऐसा किसने बोला? तो मिलर और यूरे ने बोला. एक्सपेरिमेंट किया प्रूफ करने के लिए यूरे मिलर ने. चलिए, आरएनए वर्ल्ड क्यों बोला जाता है बेटा? ये क्वेश्चन आता है मॉलिक्यूलर बेसिस में. आरएनए वर्ल्ड क्यों बोला? क्योंकि आरएनए एक पहला जेनेटिक मटेरियल था. इसमें एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होती है. आरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, इसीलिए आरएनए वर्ल्ड है. एनसीईआरटी की लाइन जरा देख रहे हो? एनसीईआरटी ने बोला है ना कि फेवरेट आइडिया ऑफ एस्ट्रोनॉमर, ठीक है. फेवरेट आइडिया क्या है? तो आज भी एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि स्पोर आया बाहर की दुनिया से, हमारी अर्थ पे गिरा और लाइफ आई. इसको कॉस्मिक पेंसपर्मिया बोलते हैं, ठीक है. जब इवोल्यूशन हुआ तो चीज़ें कहाँ सिंथेसिस हो रही थी? चीज़ें कहाँ पर सिंथेसिस होती थी बेटा, बताओ बताओ कहाँ पे होती थी? तो सारी चीज़ों का जो सिंथेसिस था वो ओशंस में होता था, पानी में होता था. नेक्स्ट पे आ जाओ. बिग बैंग थ्योरी किसने दी? एबे लिमिटियर ने दी. नेक्स्ट पे आ जाओ. मिले और यूरे ने परफॉर्म करा एक एक्सपेरिमेंट बताने के लिए लाइफ का ओरिजिन. उन्होंने NH3 लिया, इन्होंने H2 लिया, ठीक है, और क्या बन गया? तो इनसे पानी बन गया और अमोनिया बन गया. NCERT की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा. एक बार जरा जल्दी से इस लाइन को पढ़ लोगे क्या? प्रज्ञा, निशा, एमी, यश, MRS, रोहित, राहुल, आशु, शिवानी, हर्षदा, दिशा, तमालिका, स्नेही, अद्रजा, रिजवान, इनविजिबल, नास, पढ़ लो जरा इसको. ए बायोजेनेसिस का मतलब होता है कि जो लाइफ आ रही है, ए से बायोजेनेसिस मतलब नॉन लिविंग से लाइफ आ रही है. वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा है? तो हमारी जो कान की जो मसल्स हैं, इन कान की मसल्स को हम थोड़ी हिला पाते हैं, तो ये क्या हो गई है? पिन्ना मसल्स वेस्टिजियल है मैन की. चलो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लगाओ. तो कौन कौन सा इसमें क्या है? इसमें से जो कॉकिक्स है, जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, और जो ईयर मसल्स हैं, ये वेस्टिजियल है. पेरीपेटस किसकी कनेक्टिंग लिंक है? तो जो पेरीपेटस है, इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनलीडा एंड आर्थोपोडा की कनेक्टिंग लिंक है. अकॉर्डिंग टू हेकल्स बायोजेनेटिक लॉ, बायोजेनेटिक लॉ का क्या मतलब होता है? तो ये बोलता है ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, यानी कि जो एम्ब्रियोलॉजिकल हिस्ट्री है, ठीक है, वो क्या करती है बताओ? वो रिपीट करती है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को. होमोलॉगस एनालॉगस पे तो क्वेश्चन आता ही है बेटा. आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? इवोल्यूशन चैप्टर में कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ना है हमको, होमोलॉगस एनालॉगस पढ़ना है हमको, इस पे तो क्वेश्चन आता ही है. चलो आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताते हैं जो आपको कल बहुत हेल्प करेगी. क्या आपने HD TV देखी है क्या? क्या घर पे AC है क्या? HD यानी कि होमोलॉगस ऑर्गन का डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एनालॉगस ऑर्गन का कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा, ठीक है. तो इसमें से ये जो भी माउथ पार्ट है सबके, ये क्या है? सेम चीज़ों के लिए बने हैं, पर ये बाइट करता है,
ये उसको एब्जॉर्ब करती है, हनी भी सक करती है, तो ओरिजिन सेम पर फंक्शन डिफरेंट हो जाता है, तो उसको होमोलोगस बोलते हैं। चलो 24 पे आ जाओ, हमारे अंदर जो अक्कल दाढ़ है वो क्या है, वेस्टिजियल है। रिकैपिचुलेशन थ्योरी किसने दी, हेकल ने दी। चलो प्रोटोजोन को और वन सेल्ड प्लांट को कौन कनेक्ट करता है, 26 कौन कनेक्ट करता है बेटा प्रोटोजोन को और प्लांट्स को, तो इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, ऐसा बोला जाता है, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत अच्छा रिप्लाई दे रहे हो। एनलीड्स एंड मोलस्क को कौन कनेक्ट करता है, नियोप्लीना कनेक्ट करता है। चलिए डू नॉट हैव होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल नहीं है, इसमें से कौन सा है जो होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल नहीं है बेटा, बताओ। कौन नहीं है एग्जाम्पल होमोलोगस ऑर्गन का, 28 विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और बैट, बटरफ्लाई आर्थ्रोपोड्स है, बैट वर्टिब्रेट है, तो ओरिजिन इनका डिफरेंट है, फंक्शन इनका सेम है, तो ये क्या है, एनालॉगस ऑर्गन है। चलो होमोलॉजी इज एग्जिबिटेड बाय, होमोलॉजी का क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। होमोलॉजी किस में दिखती है, तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं इनकी फोर लिम देख लो, सबका बोन सेम है लेकिन सबका फंक्शन अलग अलग है, ठीक है। गोल्डन एज डायनासोर की कौन सी है, डायनासोर कौन से एज पे आए, तो डायनासोर मीजोजोइक एज पे आए, ठीक है, मीजोजोइक एरा में आए। बर्ड और मैमल्स कब आए, बर्ड और मैमल तो क्रिटेशियस में आए और ट्रायासिक में आए, ठीक है। मीजोजोइक एरा पे अर्थ में कौन रहता था, तो जो मीजोजोइक अर्थ था उस पे रेप्टाइल्स यानी कि डायनासोर्स रहते थे, कौन रहते थे बेटा, डायनासोर्स रहते थे। एज ऑफ बर्ड एंड मैमल किसको बोलते हैं, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या बोलते हैं, 34 का सीनोजोइक बोलते हैं, है ना, तो अभी सीनोजोइक चल रहा है। अगर कल एग्जाम में आपसे पूछ लिया बेटा सुमित, ठीक है, कि कौन सा इरा है बर्ड और मैमल का या अभी क्या चल रहा है, तो बोलना अभी सीनोजोइक चल रहा है, ठीक है। चलो होमोलोगस ऑर्गन का क्वेश्चन आता है तो करना ही है, होमोलोगस ऑर्गन कैसे होते हैं, तो इनकी ओरिजिन सेम होती है पर फंक्शन सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ओके बेटा, वेरी नाइस। ह्यूमन हैंड विंग ऑफ बैट एंड फ्लिपर ऑफ व्हेल रिप्रेजेंट्स, ये सब होमोलोगस ऑर्गन रिप्रेजेंट करते हैं। डायनासोर कब डिसअपियर हो गया, डायनासोर डिसअपियर्ड इन, डायनासोर क्रिटेशियस में डिसअपियर हो गया। पूछते हैं कितने टाइम पहले एक्सटिंक्ट हुआ था, 35 मिलियन ईयर अगो पहले एक्सटिंक्ट हुआ था। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स क्या है, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो बेटा, आर्कियोप्टेरिक्स है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ हार्ट फ्रॉम 2 to 3 to 3 to 4 चेम्बर प्रूव्स दैट, तो ये बायोजेनेटिक लॉ बता रहा है कि जो भी एम्ब्रियो में चेंजेस आ रहे हैं। मैमल लाइक रेप्टाइल कब ओरिजिनेट हुए, परमियन में ओरिजिनेट हुए। क्या अब चैप्टर चेंज करना है क्या, कमेंट बॉक्स में बताओ। चैप्टर चेंज करना है कि यही चलने देना है बेटा, जनता बताएं। तो नेल्स हमारे वेस्टिजियल नहीं है। डार्विन फिंचेस का इवोल्यूशन कैसा है, डार्विन फिंचेस का तो बायोजोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। बायोजोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब अलग अलग लैंड पे अलग अलग जगह चली गई वो। सिमिलैरिटीज इन ऑर्गेनिज्म विथ डिफरेंट जीनोटाइप, जीनोटाइप अलग अलग हैं पर वो फिर भी सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं। तो देखो ये अलग जीनोटाइप, ये अलग जीनोटाइप, पर ये सेम हो गए, तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कन्वर्ज कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलोगे, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलोगे। दिस इज नोन एज कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। पटैटो एंड स्वीट पटैटो,
ठीक है, पटैटो एंड स्वीट पटैटो पे आ जाओ 45। तो पटैटो एंड स्वीट पटैटो क्या है? तो पटैटो तो बेटा स्टेम है और स्वीट पटैटो तो बेटा रूट है। तो दोनों ही फूड को स्टोर करती है, जिसका फूड हम छीन के खा जाते हैं कि आलू का चिप्स खाऊंगा, आलू बड़ा खाऊंगा, आलू पकोड़ा खाऊंगा, आलू का पराठा खाऊंगा, ठीक है। तो ये सब एनालॉगस ऑर्गन है। चलिए 46 पे आ जाओ बेटा। बर्ड कब आया? बर्ड क्रिटेशियस में आया। फॉसिल्स का क्या मतलब होता है बेटा? वेरी गुड, MH3, क्लची, खुशी, तुषार, पिंकी, एमी, शिवानी, चलो बताओ जरा जल्दी से बताओ। एक्सटिंक्ट एनिमल का जो बचा हुआ पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 48, द एज ऑफ फॉसिल इज डिटरमाइंड बाय, ठीक है। तो एज ऑफ फॉसिल इज डिटरमाइंड बाय, तो रेडियो एक्टिव डेटिंग करते हैं। इसमें से मिसिंग लिंक कौन सी है, मतलब कौन बताता है कि अब मिस हो चुकी है वो लिंक, मिसिंग लिंक क्या होती है। 49, आर्कियोप्टेरिक्स अब नहीं है वो, अब ख़त्म हो गया है वो, डिसअपियर हो चुका है। 50 पे आते हैं। 50 पे कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो है टू स्पीशी का इज एसोसिएटेड विथ, अभी क्यों बेटा? फिजा नीति मैंने क्या पूछा था कि घर में एसी है कि नहीं है, मतलब एनालॉगस ऑर्गन क्या शो करेगा? कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करेगा, ठीक है। तो इट इज एनालॉगस ऑर्गन। सेम स्ट्रक्चर है पर डिफरेंट फंक्शन है। एनालॉगस होमोलॉगस कल आएगा, पक्का आएगा। बताओ जरा क्या शो करता है। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। चलो, विंग्स ऑफ इंसेक्ट, विंग्स ऑफ बर्ड क्या बताते हैं बेटा? एनालॉजी बताते हैं, है ना, कि जो इंसेक्ट का विंग है और बर्ड का विंग है, दोनों का ओरिजिन अलग है, एक आर्थोपोड है, कॉर्डेट है, पर फंक्शन सेम है। 53 पे आ जाइए, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है बेटा? तो ये जुरासिक पीरियड में था, ठीक है। नॉट वेस्टिजियल, तो अभी तो बताया था कि नेल्स वेस्टिजियल नहीं रहते हैं। अब बताओ, अब ये वाला आंसर तो तुम्हें बताना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाओ और बताओ, ठीक है। बताओ बेटा, एपिग्लॉटिस वेस्टिजियल है क्या? अभी तुम खाते खाते बोलोगे तो कौन बचाएगा? यही तो बचाएगा। फ्लिपर ऑफ सील आर मॉडिफाइड, फोर लिम्ब, जो सील की फ्लिपर है फोर लिम्ब है वो। डार्विन फिंच किसका एग्जाम्पल है? ये नीट के लिए इसको चमका लो बेटा, ये किसका एग्जाम्पल है बताओ? बताओ। 57, ऑल ऑफ दीज सबका एग्जाम्पल है। चलो क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं बच्चों, धूम मचाते हैं। चेंज विथ डिसेंट थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। देखो मैं एक बात बताती हूँ, ब्रांचिंग डिसेंट, ध्यान से सुनना, NCERT में चमकता हुआ लिखा है। NEET 21 में बहुत सारा क्वेश्चन उस चमकते हुए कंटेंट से आया था। ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन, ये दो की कंसेप्ट है बेटा, किसके? डार्विन के, है ना, ये एग्जाम में बिल्कुल आता है। चलो, म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया? हुगो दी व्रीज ने म्यूटेशन थ्योरी दिया, ठीक है, हुगो दी व्रीज ने दिया, ठीक है। डार्विन का थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन का किस पे बेस्ड था? तो वो बोलता था जो जितना ज़्यादा रिप्रोडक्शन करेगा वो उतना ज़्यादा फिट रहेगा, ठीक है। तो इट वॉज बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव फिटनेस। फिर इधर आ जाओ, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज,
किसने बताई? चार्ल्स डार्विन ने बताई। ये ओरिजिन ऑफ स्पीशी किसके साथ डील करती है बताओ? ठीक है, तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में बताती है। नेक्स्ट पे आ जाओ, न्यू स्पीशी बनती है तो कैसे बनती है? न्यू स्पीशी कैसे बनेगी? न्यू स्पीशीज आर फॉर्म्ड। बेटा सेशन को बिल्कुल लाइक कर देना मेरे सभी बच्चों जो भी लाइव है। तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन से बनती है, हमेशा याद रखना, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन से बननी है। फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है पॉपुलेशन की, उसे क्या बोलते हैं? राहुल, तमालिका, सुकृति, अंशु, रोहित, निशा, दिशा, खंडू, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। अब देखो, कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक वाले मीडियम में भी ग्रो हो जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिन में भी ग्रो हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन इस दुनिया में है, उनके अंदर कुछ ऐसा वेरिएशन है, ठीक है, ऐसा वेरिएशन है जो उनको सर्वाइव करने में हेल्प करेगा। उसमें भी स्पीसिएशन के लिए क्या ज़रूरी है? स्पीसिएशन के लिए क्या ज़रूरी है बेटा? कैन वी गेट 400 लाइक्स ऑन दी सेशन? दिस इज सच अ लॉन्ग मैराथन विद सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सो मैनी चैप्टर्स। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ज़रूरी है क्योंकि सेम स्पीशी के ही आपस में इंटरब्रीड करते हैं। 67 पे आ जाओ, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ पर ऑपरेट करती है? PYQ है बताओ, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ पर ऑपरेट करती है? जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट करती है छोटी सी आइसोलेटेड पॉपुलेशन में। हुगो दी व्रीज ने किस पे काम किया? हुगो दी व्रीज ने किस पे काम किया? तो जो हुगो दी व्रीज हैं उन्होंने ओइनोथेरा लमार्कियाना पे काम किया। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो लेमार्कियाना देखकर लेमार्क मत लगा देना कि लेमार्क ने किया होगा, ठीक है। चलो, हेल्प इन इवोल्यूशन बट नॉट कंसिडर्ड एज बेसिक फैक्टर, ठीक है। तो इवोल्यूशन में हेल्प तो करता है पर बेसिक फैक्टर नहीं है, वो है अडाप्टेशन। बाकी सारा बेटा बेसिक फैक्टर है ना, बाकी सारा बेसिक फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फैक्टर जो न्यू स्पीशीज़ को फॉर्म करता है उसे क्या बोला जाता है? न्यू स्पीशीज़ को फॉर्म करना है तो म्यूटेशन से और आइसोलेशन से ही न्यू स्पीशीज़ बनेगी। न्यू स्पीशीज़ कैसे बनेगी? वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। कौन सा आइडिया डार्विन से रिलेटेड नहीं है? Which idea is not related to Darwin? बताओ कौन सा आइडिया डार्विन से रिलेटेड नहीं है? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? ये लमार्क से रिलेटेड है, ठीक है। डार्विन अपनी थ्योरी में किस चीज़ को हाईलाइट करते हैं? डार्विन अपनी थ्योरी में नेचुरल सिलेक्शन को। अरे डार्विन के बारे में क्या क्वेश्चन आएगा तुम्हें बता दूँ क्या? सुनो मेरी बात को, एक आएगा नेचुरल सिलेक्शन, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ज़्यादा प्रोड्यूस करना, डार्विन की फिंच, गैलापागोस आइलैंड, ये क्वेश्चन आएगा। उसकी जो शिप का नाम है HMS बीगल, वो आएगा, ठीक है। चलो, स्मॉल पॉपुलेशन में एलिमिनेट जीन को कौन करता है? तो स्मॉल पॉपुलेशन में जो करता है उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट बोलते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट किसने दिया बताओ? अभी बताया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट किसने दिया, आप गलत मत बताना, डार्विन ने दिया, ठीक है। इवोल्यूशन के लिए एक फोर्स क्या है कि ये इवोल्यूशन करवाता है, तो वेरिएशन है जो करवाता है, ठीक है। चलो अब अपन चैप्टर चेंज कर देते हैं बेटा, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। अरे ह्यूमन इवोल्यूशन के क्वेश्चन कर लेते हैं फिर चैप्टर चेंज कर देते हैं, है ना। ह्यूमन इवोल्यूशन का क्वेश्चन कर लो फिर चैप्टर चेंज करते हैं। चलो कर लो, कर लो। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, 78 पे। क्लोजेस्ट मैन, क्लोजेस्ट कौन है मैन से?
है ना, यहाँ से बताना शुरू कर दो। चलो, विच कैरेक्टर अप्लाइज टू होमोसेपियन? होमोसेपियन की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है? 1450 सीसी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? करेक्ट क्या है? ठीक है, चलो ये वाला छोड़ दो, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं करेंगे। सबसे रीसेंट फॉसिल किसका मिला? क्रो मैग्नॉन का मिला। जावा मैन की कितनी क्रेनियल कैपेसिटी है? 900 है। हमारी क्रेनियल कैपेसिटी किसके बराबर है? तो नियंडरथल मैन की 1400 सीसी है, हमारी इन्हीं से रिलेटेड है। सबसे ज़्यादा क्रेनियल कैपेसिटी किस में? क्रो मैग्नन में है। क्रो मैग्नन क्या था? सब खाता था, ओमनीवोर था। सबसे प्रिमिटिव एंसेस्टर कौन सा है? ये नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे प्रिमिटिव एंसेस्टर है रामापिथेकस। क्या है? रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस। होमो हैबिलिस का क्या मतलब होता है? होमो हैबिलिस का मतलब होता है टूल मेकर, ये टूल बनाता था। इसमें से क्या स्टेटमेंट ट्रू है बेटा? तो होमो इरेक्टस हमारे डायरेक्ट एंसेस्टर्स हैं। क्या इस बात को हम याद रखेंगे कि होमो इरेक्टस हमारे डायरेक्ट एंसेस्टर हैं? हमारा क्लोजेस्ट रिलेटिव कौन है? है ना, तुम्हारा भाई। मम्मी क्या बोलती है यार, तो चिंपैंजी की तरह उचक रहे हो तुम तो। क्यों? क्योंकि चिंपैंजी है ना हमारा बिल्कुल चाचा मामा का लड़का, ऐसा सोच लो। ठीक है, तो चिंपैंजी क्लोजेस्ट रिलेटिव है। करेक्ट ऑर्डर क्या है इवोल्यूशन का? करेक्ट ऑर्डर बताइए। तो पहले पैकिंग आया, चलो इसको छोड़ो, नॉट एनसीईआरटी अभी करने का टाइम नहीं है। ठीक है, चलो, मैन कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ? मैन का फॉसिल कहाँ मिला? तो मैन अफ्रीका में इसका फॉसिल मिला, ये अफ्रीका से ओरिजिनेट हुआ। ये पेंटिंग बनाने का शौकीन कौन था बेटा? ये फ्री टाइम में बिल्कुल अपने कलर वाले लेके पेंटिंग करते थे, तो देवर जावा मैन। होमो इरेक्टस कौन है? होमो इरेक्टस ही तो जावा मैन है। मॉडर्न मैन का बताओ, मॉडर्न मैन का क्लोजेस्ट कौन है? तो क्रो मैग्नन। बेटा मुझे लगता है इवोल्यूशन के लिए इतना काफ़ी है। देखो, हमने स्ट्रेटजी कर लिया, हमने ह्यूमन हेल्थ कर लिया, हमने इवोल्यूशन कर लिया, हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ कर लिया। ठीक है, अब अपन आते हैं अगले पे। अब अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एमसीक्यू करते हैं, क्योंकि उसमें से भी बहुत आता है। ठीक है, तैयार हो मेरे बच्चों? क्या मेरी आर्मी तैयार है क्या? चलो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एमसीक्यू करते हैं, कम ऑन। हाउ इज़ द जोश बेटा? ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 50 क्वेश्चन करवाती हूँ तुम्हें। सेशन को तो लाइक करना ही है, बिना बोले करना है। और जैसे ही अपन अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुरू करते हैं, व्हाट यू कैन डू इज़ आप अपने दोस्तों को मैसेज कर सकते हो, है ना, कि आ जाओ आ जाओ, सब बच्चा क्लास में आ जाओ। अपने फ्रेंड्स से अपने ग्रुप में ये क्लास शेयर कर दो। अब अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से शुरू कर रहे हैं आज का सेशन, मैराथन शुरू कर रहे हैं बिल्कुल ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। ठीक है, चलो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? तो टेस्टिस है मेल में। अब कौन सा कलर लें? अब सारे तो कलर यूज़ हो गए। चलो, टेस्टिस है किस में? मेल में। और ओवरी किस में है? ओवरी इन दी फीमेल। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है? तो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है? वास डिफरेंस है। ठीक है, सेकेंडरी बिल्कुल वास डिफरेंस है। मैमल्स में टेस्टिस कहाँ लोकेटेड है? मैमल में टेस्टिस कहाँ लोकेटेड है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में, यानी कि एब्डोमेन के बाहर लोकेटेड है। कितना इजी क्वेश्चन आया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पर होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस में होते हैं, सभी को पता है। टेम्परेचर जो है स्क्रोटम का कितना कम रहता है एब्डोमेन से? क्वेश्चन नंबर 5, 3 डिग्री सेल्सियस है ना का चेंज आता है। ठीक है, 3 डिग्री का। अनपेयर्ड ग्लैंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सी है? अनपेयर्ड तो प्रोस्टेट होती है, इसमें 5 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, और इसमें जो है
पेयरिंग नहीं होती है. वेरी गुड पिंकी, राजश्री, पलक, दिशा, छवि, अर्श, खुशी, वेरी नाइस. स्पर्मेटोजोआ आर नरिश्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट. स्पर्मेटोजोआ नरिश होते हैं ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट बाय. तो ये किससे होते हैं बेटा? सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? इनका नरिशमेंट करते हैं. कौन करता है? सर्टोली सेल. नर्स सेल भी बोलते हैं क्या इनको? सस्टेंटिकुलर सेल्स भी बोलते हैं क्या? बताओ. लॉन्ग नैरो एंड, लॉन्ग नैरो एंड ऑफ यूट्रस को क्या बोलेंगे? सर्विक्स बोलेंगे. लॉन्ग नैरो एंड को सर्विक्स बोलेंगे. एंडोमेट्रियम इज द लाइनिंग ऑफ. एंडोमेट्रियम किसकी लाइनिंग है? एंडोमेट्रियम किसकी लाइनिंग है? यूट्रस की लाइनिंग है. टेंथ पे आ जाओ. क्लाइटोरिस इज प्रेजेंट एट द अपर जंक्शन ऑफ. क्लाइटोरिस किसके अपर जंक्शन पे है? लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे है. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. स्पर्म के किसको पावर हाउस बोलेंगे? पावर हाउस किसको बोलते हैं? पावर हाउस उसको बोलते हैं जिसमें क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है. और ये माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में होती है जो उसको एनर्जी सप्लाई करती है. ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. एक्रोसोम किस में इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है? बेटा कैन वी गेट 400 लाइक्स ऑन दी सेशन? हाँ, क्या 400 लाइक मिल सकते हैं क्या इस बेहतरीन सेशन पे ड्यूरिंग दी लाइव क्लास? ठीक है, तो जो एक्रोसोम होता है वो फ्यूजन में ना पेनिट्रेशन में हेल्प करता है. नहीं रुको, इसमें सबसे ज़्यादा सही होगा कि वो पेनिट्रेशन में हेल्प करता है. ठीक है, 13 पे आ जाओ. एक्रोसोम कैसे बनता है? एक्रोसोम कैसे बनता है? एक्रोसोम गोल्जी बॉडी से बनता है. किससे बनेगा? गोल्जी बॉडी से बनेगा. मैच्योर स्पर्म हैज, एक मैच्योर स्पर्म है उसमें क्या क्या रहता है? मैच्योर स्पर्म में क्या रहता है बताओ जल्दी से. मैच्योर स्पर्म में सारी चीजें मिलेगी बेटा. न्यूक्लियस भी, एक्रोसोम भी, सेंट्रियोल भी, टेल भी. ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पे मिलता है? ग्राफियन फॉलिकल ओवरी में मिलता है. किसकी ओवरी में मिलता है बताओ? किसकी ओवरी में मिलेगा? तो मैमल्स की ओवरी में ही मिलेगा. ग्राफियन फॉलिकल में क्या रहता है? ग्राफियन फॉलिकल कंटेन्स, ग्राफियन फॉलिकल में बहुत सारा ऊसाइट रहता है. क्या कि सिंगल ऊसाइट रहता है? कौन बताएगा? ग्राफियन फॉलिकल कंटेन्स हाउ मैनी ऊसाइट्स? वेरी गुड, है ना. तो हर फॉलिकल में तो सिंगल है. हर फॉलिकल में तो क्या है? सिंगल ही है. नेक्स्ट पे आ जाओ. नेक्स्ट पे आ जाओ. 2n हैप्लॉइड रहता है. चलो, कॉर्पस लूटियम किस में मिलता है? इतना इजी क्वेश्चन है कि इसको गलत लगाने से तो पाप पड़ता है. कॉर्पस लूटियम किस में प्रेजेंट है? ओवरी में प्रेजेंट है. क्या प्रोड्यूस करता है? कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन है. चलो, एंट्रम इज फिल्ड विथ फ्लूइड एंड इज फाउंड इन. एंट्रम किस में मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं बेटा. जल्दी जल्दी करना है हमको, मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं. आपको पता है ना, एक दिन पहले जितना क्वेश्चन नज़रों के सामने से जाता है अगले दिन हमको उतना याद आता है. ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल जो है ओवरी का, उसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है उसे एंट्रम बोला जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कॉर्पस लूटियम इज, कॉर्पस लूटियम एंडोक्राइन फंक्शन का होता है क्योंकि वो क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है. ओव्यूलेशन हार्मोन क्या है? ओव्यूलेशन किसकी मदद से हो रहा है?
तो ओव्यूलेशन LH की मदद से हो रहा है, LH की मदद से, LH सर्ज की वजह से ही होता है। नेक्स्ट पे आते हैं 21। प्रोजेस्टेरोन लेवल जैसे ही नीचे जाता है तो क्या होता है, एंडोमेट्रियम शेड हो जाती है, ठीक है। एंडोमेट्रियम जैसे ही शेड हो जाती है मेंस्ट्रुएशन होता है। यूट्रस में एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट्स इन रिस्पॉन्स टू, एंडोमेट्रियम को कौन प्रोलिफरेट करता है, तो एंडोमेट्रियम को कौन प्रोलिफरेट करेगा, ईस्ट्रोजन करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, पॉलीस्पर्मी इज नॉर्मली प्रिवेंटेड बाय, पॉलीस्पर्मी को कैसे रोकते हैं, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बना के रोकते हैं। जायगोट की जो सेल डिवीजन है उसे क्या बोला जाता है, जायगोट की सेल डिवीजन को क्या बोला जाता है बेटा, जो जायगोट में जो सेल डिवीजन चलती है उसे क्लीवेज बोलेंगे पर्टिकुलरली, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हो, क्लीवेज कहाँ पर शुरू हो जाता है, क्लीवेज तो फलोपियन ट्यूब में ही शुरू हो जाता है, किस में होता है, फलोपियन ट्यूब में। सेल्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्लीवेज, जब क्लीवेज चलता रहता है तो जो सेल्स बनते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, तो जब क्लीवेज चलता है तो जो सेल्स बनते हैं उन्हें ब्लास्टोमियर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, शुगर फ्रक्टोज इज प्रेजेंट इन दी सिक्रीशन ऑफ, शुगर और फ्रक्टोज किसके सिक्रीशन में प्रेजेंट है, 27 बताओ। सेमाइनल वेसाइकल, सिक्रीशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम एंड एंजाइम, फ्रक्टोज कैल्शियम और एंजाइम का सिक्रीशन किसमें होता है, मेल की एसेसरी ग्लैंड्स में होता है। टेस्टिस डिसेंड करती है स्क्रोटम में, टेस्टिस स्क्रोटम में क्यों डिसेंड करती है, रीजन क्या है, टेस्टिस डिसेंड करती है स्क्रोटम में ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस कर पाए, उसको कम टेम्परेचर मिले, है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में कितना स्पर्मेटोजोआ बनेगा, सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्मेटोजोआ बनता है, ये कल एग्जाम में अगर आता है ना, काफ़ी बच्चे इसको गलत करते हैं बेटा, काफ़ी बच्चे इसको गलत करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 बनेगा और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 बनता है, ये क्लियर रखना। प्रेगनेंसी हार्मोन किसे बोलेंगे, ठीक है, प्रेगनेंसी हार्मोन किसे बोलेंगे, प्रोजेस्टेरोन। प्रेगनेंसी के टाइम जो यूरिन है फीमेल की उसमें क्या मिलता है जिससे प्रेगनेंसी को टेस्ट करते हैं, 32, तो दैट इज HCG, प्रेगनेंसी जो होगी HCG। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन मैमलिज, मैमल में फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, मैमल में जो फर्टिलाइजेशन है फलोपियन ट्यूब में होगा। बेटा कैन यू इमेजिन, हमने एक घंटे में 250 प्लस क्वेश्चंस कर दिए हैं, कितने क्वेश्चन, 250 प्लस क्वेश्चन, कैन यू सी द स्पीड, इट इज़ फलोपियन ट्यूब, सॉलिड बॉल ऑफ सेल प्रोड्यूस्ड बाय रिपीटेड क्लीवेज, बार बार क्लीवेज होता है, बार बार क्लीवेज होता है तो मल बेरी शेप का स्ट्रक्चर बनता है, इसे क्या बोला जाता है, इसे मोरुला बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटा इज द रीजन वेयर, वेरी गुड आकाश, दीक्षा, कनिका, अभिषेक, स्वप्निल, उस्मा, मैनक, रोहित, हिमांशी, डीप, साइली, यशवाज, एमी, पांडा, जानवी, रोज, बताओ बेटा। प्लेसेंटा इज द रीजन वेयर, जहाँ पर फीटस को नरिशमेंट मिलता है अपनी मदर की ब्लड से, ठीक है, एंटीबॉडीज भी मिलती है। जब
क्या होता है, जब फुल्ली डेवलप्ड फीटस मदर की बॉडी के बाहर निकलता है, ठीक है, एक्सपेल होता है, उसे क्या बोला जाता है, वॉट इज दैट नोन एज, उसे क्या बोलेंगे, उसे पार्चुरिशन बोलेंगे. पार्चुरिशन कैनाल जो है बेटा फीमेल में, है ना, वो क्या है पार्चुरिशन कैनाल, बर्थ कैनाल क्या है वो बेसिकली, ठीक है. पार्चुरिशन कैनाल फीमेल में क्या है, इट इज वजाइना, इट इज वजाइना एंड सर्विक्स. पार्चुरिशन में कौन सी चीज नहीं होती है, ठीक है, तो नाम से समझ में आ रहा है बेटा कि नैरो क्यों होगा. पार्चुरिशन में तो वजाइना और पेल्विक कैविटी पूरी क्या होगी, वाइडन होगी ताकि बेबी बाहर निकल जाए, नैरो नहीं होगी, ठीक है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये वाला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कैसे इंड्यूस होता है. फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इज इंड्यूस्ड बाय, इट इज इंड्यूस्ड बाय फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा. क्वेश्चन नंबर 40 गाइस, ऑक्सीटोसिन किस में हेल्प करता है, चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है, और मिल्क का इजेक्शन, मिल्क जो बाहर निकल रहा है अगर मेमरी ग्लैंड से, उसमें भी करता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको मिल्क लेट डाउन हार्मोन बोला जाता है, ठीक है. करेक्ट सीक्वेंस क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस की, क्वेश्चन नंबर 41, करेक्ट सीक्वेंस क्या है बिटू, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है. तो पहले स्पर्मेटोगोनिया बनता है, इसमें मियोसिस वगैरह नहीं, इससे इसका ग्रोथ डिवीजन स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्म. तो पहले स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्म. द पार्ट ऑफ अ फलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू ओवरी, ठीक है, दो पार्ट है फलोपियन ट्यूब का क्लोजेस्ट टू ओवरी, ठीक है. इट इज इन फंडीबुलम, इट इज इन फंडीबुलम. क्वेश्चन नंबर 43, सिग्नल जो पार्चुरिशन के लिए हैं कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं. दो बार क्वेश्चन आ गया बेटा, पार्चुरिशन के सिग्नल कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं. कहाँ से होते हैं, बिल्कुल फुल्ली डेवलप्ड फीटस से होते हैं. सेकंड मैच्योरेशन मैमल के एग में कब होता है, पहला तो मियोटिक डिवीजन हो जाता है, सेकंड वाला मैच्योरेशन डिवीजन कब होता है, जैसे ही स्पर्म ओवम को टच करता है, है ना, जैसे ही स्पर्म ओवम को टच करता है तभी होता है. वासा इफरेंशिया जो है अगर ब्लॉक हो गई तो गैमीट कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा. बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगेन आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है. ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप अभी भी यहाँ पर कि टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस, टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस नहीं हो पाता है, ठीक है. टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, एक पाउच में है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, क्यों, क्या, ताकि वो बॉडी से कम टेम्परेचर मेंटेन कर पाए, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बॉडी से कैसा टेम्परेचर चाहिए, कम टेम्परेचर चाहिए. चलो 1, 2, 3, 4 आप लोगों को लेबल करना है. क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाइए, लेबल करते हैं ज़रा, कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है. तो ये वाला जो पार्ट है बेटा, दिस इज सर्विक्स, है ना, दिस इज वजाइना, दिस इज लेयर्स ऑफ द यूट्रस, है ना, बाहर वाली पेरी, बीच वाली मायो, सबसे अंदर वाली एंडो, फिर ये फलोपियन ट्यूब में ये जो स्ट्रक्चर है ये फिम्ब्रिए है, और ये कहाँ पर क्या है, ये इनफंडिबुलम है. तो आंसर क्या हो जाएगा, 2. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ज़रा, बस ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, इसके बाद अपन दूसरा चैप्टर करेंगे.
नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन में टोटल गोनाडोट्रॉफिन को एसेस किया. क्या करा? टोटल गोनाडोट्रॉफिन को एसेस किया. तो क्या पता चला? तो ये पता चला कि जब HCG बढ़ता है ना, हाई लेवल ऑफ HCG, ये ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन को भी क्या करता है? स्टिमुलेट करता है. ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन को भी क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा. नेक्स्ट पे आते हैं. बहुत सारा हॉर्मोन्स हैं, HCG, HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आर प्रोड्यूस्ड बाय. कौन प्रोड्यूस करता है इन हॉर्मोन्स को ये बताना है. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. चलते रहो. प्रेगनेंसी टेस्ट किसकी प्रेजेंस की वजह से होती है? तो प्रेगनेंसी टेस्ट HCG की प्रेजेंस के वजह से होती है. ये अगर है यूरिन में तो इंडिकेट करता है कि प्रेगनेंसी है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अब कौन से चैप्टर का क्वेश्चन करना है बेटा? अब अपन क्वेश्चन करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का. ठीक है, चलिए केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का करेंगे. रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर बेटा? इसी बात पे सेशन को लाइक कर दो, 500 लाइक्स. और अब अपन शुरू करेंगे व्हाट? अब अपन शुरू करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन. बिल्कुल बेटा, सेशन को लाइक कर दो सभी बच्चे. अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर दो कि नया चैप्टर शुरू होने वाला है. जितने बच्चे रहेंगे उतना मज़ा आएगा, उतनी ज़्यादा देर तक हमारा मन लगा रहेगा करने के लिए, है ना. चलो चले आगे नेक्स्ट पे. कम ऑन, हार्मोन क्या है? केमिकल मैसेंजर है, प्राइमरी मैसेंजर भी है. ठीक है, अ हार्मोन इज 2 and 3 बोथ. चलो इंटीग्रेटिव सिस्टम बॉडी के कौन से होते हैं? बॉडी के इंटीग्रेटिव सिस्टम कौन से हैं? तो एंडोक्राइन और नर्वस मिला के दोनों क्या होते हैं? इंटीग्रेटिव सिस्टम होते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड कैन बी डिफाइंड एज दोज ग्लैंड्स विच पॉर देयर सिक्रीशन. कहाँ पे सिक्रीशन को पॉर करती है, कहाँ पे सिक्रीशन को डालती है? तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो अपने सिक्रीशंस को कहाँ डालती है? डायरेक्टली ब्लड में डालती है. जो जिस भी फ्लूइड में एंडोक्राइन ग्लैंड रखी है वहीं पे क्या करेगी? वो अपने सिक्रीशन को डालेगी. नेक्स्ट पे आते हैं. द रिसेप्टर ऑफ प्रोटीन हॉर्मोन कहाँ प्रेजेंट है? प्रोटीन हॉर्मोन्स जो होते हैं बेटा उनको सेल के अंदर नहीं जाने देते हैं. इनका जो रिसेप्टर होता है वो सेल सरफेस पर ही होता है. ठीक है, हॉर्मोन्स आर क्वेश्चन नंबर 5. हॉर्मोन्स क्या हैं? इंटरनल सिक्रीशन मोस्टली डिस्चार्ज इन द ब्लड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ये क्या है? इंटरनल सिक्रीशन है. ठीक है, बॉडी में डिस्चार्ज होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स करती हैं. हॉर्मोन्स कैसे होते हैं? तो कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, इजीली डिफ्यूज भी हो जाते हैं, एंटीजेनिक भी नहीं है. यानी कि आंसर क्या है? द आंसर इज ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अगर रिसेप्टर को रिमूव कर दिया हमने टारगेट ऑर्गन से तो क्या होगा? ठीक है, अगर हमने रिसेप्टर को रिमूव कर दिया टारगेट ऑर्गन से तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा? सेवेंथ पे आके बताओ. तो कोई हार्मोन काम ही नहीं करेगा, क्योंकि जब तक हार्मोन रिसेप्टर से नहीं जुड़ता है वो फंक्शन करता ही नहीं है.
पिट्यूटरी ग्लैंड सबको कंट्रोल करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड किसको कंट्रोल नहीं कर पाती है? तो TSH सिक्रीट करके थायराइड को करती है, ACTH करके एड्रीनल कॉर्टेक्स को करती है, ठीक है, LHFSH करके टेस्टिस को भी करती है, लेकिन एड्रीनल मेड्यूला को नहीं कर पाती है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस कौन कंट्रोल करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस FSH आंसर है इसका। न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या रिलीज करती है? न्यूरोहाइपोफाइसिस वैसोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन करती है। ग्रोथ हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी से आता है, किससे आता है? पिट्यूटरी से। क्वेश्चन नंबर 12, गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन कौन प्रोड्यूस करेगा? गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स कौन से हैं? LH है, FSH है, कौन प्रोड्यूस करता है? एडीनो हाइपोफाइसिस करता है। बेटा हाउ इज द जोश, बताओ हाउ इज द जोश, आप लोग बताएंगे एक बार। लग रहा है क्या कल एग्जाम है कि नहीं लग रहा है? बताओ जोश बनाए कि थक गए हो? द मेन फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन इज टू, प्रोलैक्टिन क्या करता है? प्रोलैक्टिन क्या करेगा? प्रोलैक्टिन मिल्क के सिक्रीशन को स्टार्ट करेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 वाला क्या बता रहा है? तो ये वाला तो क्लियर दिख नहीं रहा है, छोड़ दो। वैसोप्रेसिन इज रिलेटेड टू, वैसोप्रेसिन क्या करती है? वैसोप्रेसिन क्या करती है? वैसोप्रेसिन क्या करती है बेटा? यूरिन का कंसंट्रेशन करती है। क्या करती है? यूरिन का कंसंट्रेशन करती है। नेक्स्ट पे आ जाओ, ऑक्सीटोसिन क्या करता है? मिल्क का प्रोडक्शन नहीं करता है, मिल्क का इजेक्शन करता है। यहां पर आएगा चाइल्ड बर्थ, यहाँ पे क्या आएगा? चाइल्ड बर्थ। यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो है, यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन कौन करेगा? कैपरा कैपरा बकरी आई है क्लास में, मैं की आवाज नहीं आ रही फिर तो। ठीक है, तो यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, FSH इज प्रोड्यूस्ड बाय, कैसे प्रोड्यूस होता है? ठीक है, 18 पे आ जाओ, तो FSH इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी यानी कि पार्स डिस्टलिस। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, BMR इज रेगुलेटेड बाय, BMR कौन रेगुलेट करता है? तो थायराइड जो होती है वो BMR रेगुलेट करती है। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, पैरेथार्मोन क्या करता है कि पैरेथार्मोन की कमी क्या करती है? पैरेथार्मोन की कमी क्या करती है? तो जो पैरेथार्मोन है बेटा, ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। अगर पैरेथार्मोन कम हो गया तो हाइपोकैल्शीमिया हो जाएगा। 21 पे आ जाओ, क्रेटिनिज्म इज ड्यू टू एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ, ठीक है, क्रेटिनिज्म किसके एबनॉर्मल सिक्रीशन के वजह से होता है? कम सिक्रीशन होता है तब होता है, बच्चा मेंटली रिटार्डेड होता है, लो आईक्यू होती है, स्किन पे पिगमेंटेशंस होती है, ठीक है। 22, दो लोब्स है थायराइड ग्लैंड के, ठीक है, किससे जुड़े हुए हैं? दो लोब्स किससे जुड़े हैं? स्थमस से जुड़े हुए हैं,
ठीक है, स्थमस से जुड़े हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, रिटेंशन ऑफ सोडियम। सोडियम का रिटेंशन कौन करता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स। मिनरल कॉर्टिकॉइड रिलीज करता है ये, और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स करते हैं वाटर का और आयंस का, इलेक्ट्रोलाइट्स का अब्सॉर्प्शन। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, क्या पूछ रहे हो मैम? शर्ट पर ब्रांड नेम या लोगो हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं नहीं छोटी चीज़ें तो चलती है बेटा, बहुत ज़्यादा नहीं लिखा होना चाहिए, पेपर छपा हो जैसे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन हॉर्मोन इज सिक्रीटेड फ्रॉम। नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन कहाँ से सिक्रीट होती है? नॉर एपिनेफ्रिन सिक्रीट होती है एड्रीनल मेड्यूला से, एड्रीनल मेड्यूला से। सॉल्ट इक्विलिब्रियम इन दी बॉडी, सॉल्ट इक्विलिब्रियम 26। सॉल्ट इक्विलिब्रियम कौन करता है? एड्रीनल का कॉर्टेक्स करता है ना बेटा, अभी तो बताया था है ना, तो वो एड्रीनल कॉर्टेक्स है। सबसे ज्यादा आयोडीन कहाँ पर मिलेगा? मैम घर से कौन सा फॉर्म भरना है इस पर वीडियो बना दो। देव इसका वीडियो बना हुआ है बेटा, तुम वीडियोस वाले सेक्शन में देख लो, हाउ टू फिल एडमिट कार्ड, सब बना हुआ है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 27, इट इज थायराइड। फाइट फियर फ्राइट के लिए एड्रीनल मेड्यूला के हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। बॉडी का टेम्परेचर कौन कंट्रोल करेगा? ये वाला क्वेश्चन तो बहुत कम लोगों को आता होगा। हाँ सार्थक, वही होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर सिक्रीटेड बाय। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कौन सिक्रीट करता है? एड्रीनल ग्लैंड करती है। एल्डोस्टेरोन कहाँ से सिक्रीट होता है? तो ग्लोमेरुलोसा से होता है। किससे होता है? ग्लोमेरुलोसा से होता है। इंक्रीज ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल को क्या बोलते हैं? अगर ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा है तो इसे क्या बोलते हैं? इसे हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पैरेथ हार्मोन कब सिक्रीट होता है? जब ब्लड में कैल्शियम कम हो जाता है तो पैरेथ हार्मोन को सिक्रीट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, ACTH इज सिक्रीटेड बाय। ACTH किससे सिक्रीट होता है? एड्रीनल कॉर्ट, उससे, इंटीरियर पिट्यूटरी से होता है। बेटा कल मैंने ना 6-7 घंटे बोल लिया, सुबह भी 2-3 घंटे बोल लिया, नाउ ना माय जॉ मसल्स आर पेनिंग सो मच। ठीक है, 35 पे आ जाओ, थाइमस किस में रोल प्ले करता है? इम्यूनोलॉजी में रोल प्ले करता है, ठीक है। हाँ छवि बिल्कुल पहन सकती है दशा। 36, मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पीनियल ग्लैंड। 37, थाइमोसिन स्टिमुलेट्स। थाइमोसिन क्या स्टिमुलेट करता है? थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट्स को करता है, ठीक है। हार्मोन विद सीट ऑफ एक्टिविटी इन लिवर चेंजिंग। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन कर रहा है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन। 500 लाइक्स कंप्लीट कर दिया आप लोगों ने, थैंक यू सो मच बेटा। 38, ठीक है, तो पैनक्रियाज के जो हार्मोन्स हैं जैसे कि इंसुलिन, वो ब्लड के ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में करके वहाँ पे लिवर में स्टोर करते हैं। बोथ एक्सोक्राइन कौन सा है, एंडोक्राइन कौन सा है? इट इज पैनक्रियास। 39,
पैनक्रियाज. ग्लूकेगॉन इज सिक्रीटेड बाय. ग्लूकेगॉन कौन सिक्रीट करता है? अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. ठीक है. बीटा कहाँ से आता है? बीटा इंसुलिन. नॉट द फंक्शन ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन क्या नहीं करेगा? एक्टिवा कीज तुम जाना और फिर परमिशन ले लेना, बढ़िया, थोड़ा टाइम पहले जाना, ठीक है, और बोल देना कि अब मैं अकेले आया हूँ, मैं कैसे जाऊँ, ऐसा वैसा करके. तो रिक्वेस्ट करोगे तो अलाउ कर देंगे, लेकिन पहले चले जाना ताकि कोई दिक्कत ना आए. 41 पे आ जाओ. ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं करवाएगा, ठीक है. ग्लाइकोजन का लाइसिस करवाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा, वो तो बढ़ाना नहीं है, ये तो ब्लड के ग्लूकोज को कम करता है. इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन क्या करता है? इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन टू ह्यूमन लीड्स टू इंक्रीज्ड. ये वाला क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया, मतलब आपका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर है. बताओ तो सेल में ग्लूकोज बढ़ता है पर ब्लड में कम होता है. बहुत कम बच्चों को पता था ये, पर ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि कल अगर नीट में आ गया ना तो 90% जनता इसको रॉन्ग करेगी. भरोसा मांगना, ठीक है, मतलब सच में भरोसा मांगो. ब्लड में ग्लूकोज अपन को लग रहा है अरे इंसुलिन तो कम करता है, तो फिर बड़ा कैसा रहा है? नन ऑफ दीज आंसर होना चाहिए, ठीक है. पर क्या होगा? सेल में बढ़ेगा पर ब्लड में कम हो जाएगा. इंसुलिन के अपोजिट कौन काम करता है? ठीक है, इंसुलिन के अपोजिट काम करता है, इसका एंटागोनिस्ट है. सो सॉरी, ग्लूकेगॉन. हाँ दीपांशी, अगर तुम्हारी उसमें फोटो हो तो. क्वेश्चन नंबर 44. ओल्ड एज में इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है. क्यों वीक हो जाता है बेटा इम्यून सिस्टम? इसीलिए वीक हो जाता है क्योंकि क्या हो गया है, थाइमस ग्लैंड का डीजनरेशन हो गया है. इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय. ठीक है, बीटा सेल्स. इंसुलिन इज रिलेटेड विथ. इंसुलिन किससे रिलेटेड है? डायबिटीज से रिलेटेड है. कैन वी गेट 600 लाइक्स ऑन दी सेशन टुडे बेटा? सुपर डुपर जो मैराथन चल रही है, पूरा रिवाइज करवा रहे तुम्हें एक एक पॉइंट. ईस्ट्रोजन किससे रिलीज होता है? ईस्ट्रोजन बताओ, ईस्ट्रोजन होता है किससे? ओवरीज से. ओवरीज के कौन से सेल से? थीका सेल्स से. एंड्रोजन्स आर सिक्रीटेड बाय. एंड्रोजन्स आर सिक्रीटेड बाय टेस्ट्रिस. प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज सिक्रीटेड फ्रॉम. प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है? प्लेसेंटा से भी होता है, कॉर्पस लूटियम से भी होता है. बहुत कम बच्चे हैं जिसको नहीं पता है, ठीक है, कि ये तो प्लेसेंटा से भी हो सकता है. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए. इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन रेगुलेट्स. ठीक है, क्या रेगुलेट करता है? इरिथ्रोपोएटिन 50 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल. 51 नॉट सिक्रीटेड बाय गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक. जीआई ट्रैक क्या रिलीज नहीं करती है? तो जीआई ट्रैक गैस्ट्रिन करती है, सिक्रिटिन करती है, कॉलीसिस्टोकाइनिन करती है, इरिथ्रोपोएटिन नहीं करती है. अच्छा तुम्हें एक बात बताऊँ बेटा, मैं एक ऐसी बात बताती हूँ जो तुम्हारी पढ़ाई को बहुत इजी कर देगी. जितनी भी ग्लैंड्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स. अनऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड का क्या मतलब होता है? अनऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स का मतलब होता है जैसे कि जीआई ट्रैक है, किडनी है, एएनएफ है जहाँ से हार्ट से रिलीज हो रहा है,
ये सब क्या है, ये सारा का सारा पेप्टाइड हार्मोन बनाएगी। तो आपको एक एक करके याद नहीं करना है कि क्या पेप्टाइड बना रही है, का स्टेरॉइड, जितनी भी अनऑर्गेनाइज ग्लैंड्स हैं ये पेप्टाइड ही बनाएगी। ठीक है, बिल्कुल बेटा, 600 लाइक्स। एट्रियल वॉल क्या रिलीज करती है, देखो बता ही रहा है कि एट्रियल वॉल एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, वो क्या है, वो ANF है, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर है। ठीक है, सिक्रेटिन स्टिमुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ, सिक्रेटिन किसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, तो सिक्रेटिन किसकी एक्टिविटी को करेगा बेटा, पैनक्रियास के को करेगा। हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल है प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, प्रेगनेंसी को कौन मेंटेन करता है, ठीक है, इट इज प्रोजेस्टेरोन। तो बेटा हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन भी कंप्लीट करा, कैसा फील हो रहा है, एक के बाद एक चैप्टर निपटाया हमने। अब हम कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे, अब हम कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड। अब अपन आईज और ईयर के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या बोलती है जनता, आईज और ईयर्स के कुछ क्वेश्चन कर लिए जाए क्या, आईज और ईयर्स के, वो भी तो एग्जाम में आएंगे। चलो 20 क्वेश्चन करते हैं आईज से और ईयर्स से। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस, बिल्कुल 600 लाइक्स अपन को अब सेशन पे एम करने हैं ना। छवि, आई विल एक्सप्लेन यू आफ्टर दिस सेशन बिटू। अपर्चर ऑफ आई कैन बी चेंज्ड बाय, आई का अपर्चर कौन चेंज करता है बताओ, आई का अपर्चर कौन चेंज करता है, आयरिस चेंज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, वन का आंसर क्या है, अपर्चर ऑफ आई कैन बी चेंज्ड बाय, आयरिस आंसर है इसका बेटा, जो भी बच्चा सीलियरी मसल बता रहा है। कलर डिटेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कलर डिटेक्शन के लिए कॉन्स, कौन से तीन कलर्स को बताती है वो बताओ कमेंट बॉक्स में जरा, रेड ग्रीन ब्लू, किसको बताती है, रेड को, ग्रीन को एंड ब्लू को। ठीक है, चलो फोकल लेंथ कौन कंट्रोल करता है, फोकल लेंथ कौन कंट्रोल करेगा, फोकल लेंथ इज कंट्रोल्ड बाय दी सीलियरी मसल्स। ठीक है, मोस्ट एक्टिव विजन जहाँ पे शार्प इमेज बनती है इसे क्या बोला जाता है, विष्णु, स्वप्निल, दिशा, कैफ, शिवनाथ, एमी, रुचि, गुरलीन, अर्श, कुमार, राखी, अंगद, धीरज, इसे येल्लो स्पॉट बोला जाता है, मैक्यूला लूटिया। यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कोन्स होते हैं। ठीक है, और विजुअल एक्विटी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है सबको, ब्लाइंड स्पॉट इन द आई इज लोकेटेड, ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पर है, जहाँ पर ऑप्टिक नर्व रेटिना को लीव करता है वहाँ पे क्या होता है। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट होता है, स्मॉल रीजन रेटिना का जहाँ पर ओनली कॉन्स है ना, मैंने आपको बताया था ना, जहाँ पर ओनली कॉन्स हैं, सिर्फ कॉन्स है जहाँ पे, इसे क्या बोलते हैं, सिक्स्थ वाले को, फोविया सेंट्रलिस मैक्सिमम विजुअल एक्विटी। तीन लेयर अंदर से बाहर की तरफ बतानी है, तीन लेयर बतानी है, बताओ तीन लेयर कौन सी है, रेटिना है, कोरॉइड है, स्क्लेरा है। ग्लूकोमा में क्या होती है,
ग्लूकोमा एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी डिसीज होती है जिसमें आईज के अंदर का प्रेशर फ्लूइड इम्बैलेंस के वजह से बढ़ जाता है। एस्टिगमेटिज्म नाम की डिसीज होती है जिसमें ऐसी लाइनें ऐसी टेढ़ी दिखती है, सिलेंड्रिकल लेंस उसको ट्रीट करता है। ठीक है, टेंथ पे आ जाओ, कर्वेचर कॉर्निया का चेंज हो जाता है, इसीलिए एस्टिगमेटिज्म होता है। तो ये हमने आईज का क्वेश्चन करा है, अब हम ईयर का क्वेश्चन करते हैं बेटा। किसका क्वेश्चन करते हैं? ईयर का क्वेश्चन करते हैं। कितना सारा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, है ना? वेरी गुड। ऑर्गन ऑफ कॉटाई कहाँ पे मिलता है? चलो रैपिड फायर करते हैं, इंटरनल ईयर में मिलता है। ठीक है, ऑर्गन ऑफ कॉटाई कहाँ पर मिलता है? कहाँ पर मिलता है? कॉक्लियर कैनाल में मिलता है। नेक्स्ट पर आ जाओ, ऑर्गन ऑफ कॉटाई किस में हेल्प करता है? ऑर्गन ऑफ कॉटाई हियरिंग में करता है। कॉक्लिया कंटेन्स, कॉक्लिया क्या कंटेन करता है? तो इसके अंदर टिम्पैनी भी है, मीडिया भी है, वेस्टिब्युलाय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस के अंदर क्या है? एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस में क्या होता है? इसमें सेरुमिनस ग्लैंड यानी कि वैक्स ग्लैंड होती है। ईयर ऑसिकल बता दो, ये नीट में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ईयर ऑसिकल बताइए, अंदर से बाहर की तरफ बताइए। ईयर ऑसिकल्स बताइए बेटा, अंदर से बाहर की तरफ। तो मिस उल्टा, स्टेप्स, इनकस और मेलियस। फंक्शन ऑफ यूस्टाशियन ट्यूब इज टू, यूस्टाशियन ट्यूब क्या करता है बताओ? यूस्टाशियन ट्यूब क्या करेगा? ठीक है, तो ये क्या करेगा? प्रेशर को मेंटेन करता है मिडिल ईयर और फैरिंग्स को कनेक्ट करके। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ, मिडिल ईयर और फैरिंग्स को कौन कनेक्ट करता है बेटा? वेरी गुड राहुल, बताओ कौन कनेक्ट करेगा? इट इज़ यूस्टाशियन कैनाल, यूस्टाशियन ट्यूब। तो हमने किसका एमसीक्यू कर लिया? हमने ईयर और आईज का भी एमसीक्यू कर लिया। अब अपन क्या करते हैं? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का करते हैं, है ना? ये भी चैप्टर तुम्हें जो थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हैं ना बेटा, वही करवा रही हूँ मैं पहले जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे आ जाओ, 31 क्वेश्चंस करेंगे इसके। ठीक है, नया चैप्टर पे आ जाओ। इसी बात पे सेशन को लाइक कर दो बेटा, जिस भी बच्चे ने नहीं करा है। अब हम एक नए उस पे आ गए, ठीक है, नर्वस सिस्टम का एमसीक्यू करते हैं, है ना? सारा यहीं पे फंडा क्लियर हो जाएगा। कम ऑन, लेट अस स्टार्ट नर्वस सिस्टम। बोलो विवेक, बोलो। बहुत रैपिड फायर कर रहे हैं हम तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। एफरेंट नर्व फाइबर कंडक्ट इम्पल्सिस फ्रॉम, कहाँ से कंडक्ट करता है एफरेंट? क्वेश्चन नंबर 1, रिसेप्टर 2, CNS, रिसेप्टर 2, CNS। ठीक है, CNS से रिसेप्टर एफरेंट लाता है। नर्व जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जा रही है उसे क्या बोलेंगे? एफरेंट बोलेंगे। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आ रही है उसे क्या बोलेंगे? उसे एफरेंट बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? एफरेंट बोलेंगे। यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है? सबको पता है नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या है? न्यूरॉन है। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेटिव सिस्टम इन द बॉडी आर, बॉडी का इंटीग्रेटिव सिस्टम कौन सा है? ये तो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी आया था कि इंटीग्रेटेड सिस्टम कौन सा है, बताओ।
बताओ बताओ बताओ, दोनों है, रैपिड इंटीग्रेशन कौन करेगा? रैपिड इंटीग्रेशन नर्वस सिस्टम करता है, एंडोक्राइन सिस्टम टाइम टेकिंग होता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है। डेंड्राइड कौन से सिस्टम में मिलेंगे? नर्वस सिस्टम में मिलेंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ, इंटर सेलुलर बताओ। बताओ बेटा, तो नर्वस में भी मिलता है, एंडोक्राइन में भी मिलता है, दो सेल के बीच में कनेक्शन। सिनेप्टिक वेसिकल्स कहाँ मिलते हैं? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में मिलते हैं, आगे वाले न्यूरॉन में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। इन माइलिनेटेड न्यूरॉन दो एडजेसेंट माइलिन शीथ आर सेपरेटेड बाय दी गैप्स कॉल्ड, इसे क्या बोला जाता है? इसे नोड्स ऑफ रैनवियर बोला जाता है। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में क्या हो रहा है? माइलिनेटेड में नोड्स ऑफ रैनवियर है। निसल ग्रैन्यूल्स कहाँ पर मिलेंगे? निसल ग्रैन्यूल्स नर्व सेल में मिलेंगे। ठीक है, नर्व सेल्स में मिलते हैं। जब नर्व फाइबर स्टिमुलेट होता है तो मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो जाता है? जैसे ही स्टिमुलेट होता है मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? बताओ जरा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, नर्व इम्पल्स इनिशिएट होती है नर्व फाइबर से, तो मेम्ब्रेन किसके लिए मोर परमिएबल हो जाती है? तो मेम्ब्रेन सोडियम आयन के लिए परमिएबल हो जाती है। जब एग्जॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड है बाहर और अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड है, ऐसे कंडीशन को क्या बोला जाता है? ऐसे कंडीशन को रेस्टिंग पोटेंशियल बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे? रेस्टिंग पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कुछ क्वेश्चंस है जो इम्पोर्टेंट है, इसके देख लेते हैं अपन ज़रा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। डीपोलराइजेशन में क्या होगा? सोडियम अंदर की तरफ आएगा। रेस्टिंग स्टेट जो होगा उसमें क्या होगा? सोडियम अंदर की तरफ आएगा। रीपोलराइजेशन में क्या होगा? पोटेशियम बाहर की तरफ जाएगा। रीपोलराइजेशन में बाहर की तरफ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, इधर आ जाओ। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन किसका पार्ट है? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन टीलोडेंड्रिया, ये वाला छोड़ दो। कॉर्पस कैलोजम किसको कनेक्ट करता है? क्वेश्चन नंबर 18, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। ठीक है, दो सेरेब्रल को। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ब्रेन, ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से बेटा ध्यान से देखो। ड्यूरा मैटर, पाया मैटर क्या है? सबसे अंदर वाली मेनिंज है, सबसे अंदर वाली मेनिंज है। नॉट अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का पार्ट नहीं है। तो फिर किसका पार्ट है अगर मिड ब्रेन का नहीं है? तो ये फोर ब्रेन का है, थैलेमस हाइपोथैलेमस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का पार्ट कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन? कॉर्पोरा क्वाड्रीजमाइना, डॉर्सल साइड पे होता है। ठीक है, चार राउंड स्वेलिंग्स होती हैं, पता है कि नहीं पता है बेटा? पता है ना। बॉडी टेम्परेचर और हंगर को कौन करता है?
बताओ जल्दी से. हाइपोथैलेमस. क्वेश्चन नंबर 24 से अपन को बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली है. ज़रा 24 को ध्यान से देखो, है ना. देखो 24 को. सेरिब्रम जो है इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सेरिबेलम बॉडी के पोस्चर के लिए. हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है. और मिड ब्रेन क्या करेगा, विजन एंड हियरिंग को देख के देखेगा. चलो बेटा 25 वाले पे आते हैं ज़रा जल्दी से. 25 वेरी गुड. डैप से याद करना. डैप से ड्यूरा अरेक्नॉइड पाया. नॉट द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है. कौन नहीं है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट, बताओ. वेगस नर्व नहीं है ना. वेगस नर्व नहीं है, ठीक है. ये वाला छोड़ो. स्पाइनल नर्व्स कितनी होती है हमारे पास. स्पाइनल नर्व 31 पेयर होती है. कितनी होगी, 31 पेयर. क्वेश्चन नंबर 29. स्टिमुलेशन ऑफ सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम. जब सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है. ये सब इरेक्शन होने लगेगा हेयर का. सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का अफेक्ट नहीं है. ये सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम से नहीं होता है. क्या नहीं होता है, बताओ बेटा. तो सलाइवा पैरासिम्पथेटिक में नहीं है, इसमें है. 31 रिफ्लेक्स आर्क कंसिस्ट ऑफ. सेंसरी भी है और मोटर भी है, ठीक है, दोनों हैं. क्लियर है सबको. तो हमने इस तरीके से ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया है. अब कौन सा चैप्टर करना है बेटा, अब कर लेते हैं रीप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को. 4-5 क्वेश्चन है इसमें चुन्नू मुन्नू से. जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं रीप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को. रेडी हो सभी लोग, चलो आ जाओ इसको कंप्लीट करें. रीप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले को कंप्लीट करते हैं बेटा, ठीक है. बताओ जल्दी से. 8 क्वेश्चन करना है मात्र, ठीक है. हाउ इज दी जोश बेटा, एक्टिव और इनएक्टिव हो गए हो, क्या कर रहे हो. कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इज मेंटेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ. लाइफ की कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन होती है, रीप्रोडक्शन से होती है. क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 2 पे बेटा डू लाइक द सेशन ऑल ऑफ यू. बस 8 क्वेश्चन करना है. तो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल. चलो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन किस में होगा, बोनी फिशेस में होगा, फिशेस में होता है. कैन वी गेट 700 लाइक्स नाउ, बताओ. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को क्या बोला जाता है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को क्या बोलोगे, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलोगे. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है. तो फर्टिलाइजेशन के बाद तो एम्ब्रियोजेनेसिस ही होता है ना. चलो क्वेश्चन नंबर 6. बडिंग कहाँ देखते हैं, हाइड्रा में, बाइनरी फिशन अमीबा में, जेम्यूल स्पॉन्ज में, गैमीट कॉकरोच में. तो 6th का क्या होता है, 6th का होता है 2, ठीक है.
वेरी नाइस बेटा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, कि जो लाइफ स्पैन है वो साइजेस से रिलेटेड होता है क्या? इट इज नॉट रिलेटेड विद द साइजेस. ठीक है, गुड. क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 8, कितना स्टेटमेंट करेक्ट है? बडिंग इन हाइड्रा इज सेक्सुअल, ए सेक्सुअल. ठीक है, अब बताओ ए सेक्सुअल कॉमन इसमें. ठीक है, ठीक है, तो तीन क्या हो गए, करेक्ट हो गए. तो बेटा हमने 8 क्वेश्चंस इसके कर लिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के. ठीक है, ये भी अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है. अब क्या करना है हमको, अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट पे आते हैं. क्या बोलते हो बेटा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर. चलो आ जाओ जरा नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं बेटा. कीप द जोश वेरी हाई, वेरी हाई, वेरी हाई. ठीक है, अच्छे से कर लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं. ठीक है, कितना क्वेश्चन है, ओनली 40 क्वेश्चन है. ठीक है, ओनली कितना क्वेश्चन है बेटा, ओनली 40 क्वेश्चन है. रेडी स्टडी कर दे, गो. ठीक है, पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल का पार्ट क्या है, पेक्टोरल गर्डल का पार्ट बताओ. पेक्टोरल गर्डल का पार्ट क्या है, आ गए बेटा सब बच्चे लाइव, गुड इवनिंग. चलो बेटा शुरू करो. ग्लेनॉइड कैविटी, स्टडी ऑफ जॉइंट्स को क्या बोला जाता है, जॉइंट की स्टडी को क्या बोलते हैं, आर्थ्रोलॉजी बोला जाता है. पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, लिम्ब, ये सब क्या बनाते हैं, ये सब बनाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन. क्या बनाएंगे, अपेंडिकुलर स्केलेटन. नेक्स्ट पे आते हैं जल्दी से. ग्लेनॉइड कैविटी इज फाउंड इन, ग्लेनॉइड कैविटी पेक्टोरल गर्डल में मिलती है. एक्रोमियम प्रोसेस किस में मिलती है, एक्रोमियम प्रोसेस ये भी पेक्टोरल गर्डल में मिलती है. फिर बताओ कि पेल्विक गर्डल किसका बना है, पेल्विक गर्डल. इलियम, मिस्चियम, प्यूबिस. कोरकॉइड के बारे में बताओ, स्कैप्यूला. हमारे क्रेनियम में कितनी बोन है, 8 बोन्स हैं. इसमें से सिस्मोइड बोन कौन सी होती है बेटा, तो सिस्मोइड बोन ऐसी होती है जो किससे बनती है, टेंडन के ऑसिफिकेशन से बन जाती है, जैसे कि पटेला. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ. द नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती है, तो 2 पेयर होती है, 2 पेयर होती है. ठीक है, 2 पेयर होती है, 11th और 12th होती है क्या. ह्यूमन स्कल में कितनी बोन है, ह्यूमन स्कल में कितनी बोन होती है बेटा. ऑल दी स्टूडेंट्स डू लाइक दी सेशन बेटा, लाइक शाइक शेयर वेयर कर दो इधर उधर. स्कल बोन कौन सी है, फ्रंटल और टेरिगॉइड. बोन्स फ्रजाइल किसमें हो जाती है, ब्रो बोन्स फ्रजाइल किसमें हो जाती है. बताओ बेटा किसमें हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस में हो जाती है. ठीक है, सिम्फाइसिस इज मेड अप ऑफ, सिम्फाइसिस जब भी होगा फाइब्रो कार्टिलेज का होगा. ये क्वेश्चन बहुत आता है,
सैडल जॉइंट के बारे में, सैडल जॉइंट कार्पल एंड फर्स्ट मेटाकार्पल. दिस जॉइंट इज मेड अप ऑफ पावर, मतलब इसमें क्या है बताओ. जल्दी बताओ, 18th का आंसर कौन बताएगा? द जॉइंट मेड फॉर पावर. इट इज मैंडिबुलर जॉइंट. मैंडिबुलर जॉइंट में वो होती है. 19th पे आ जाओ, फैलेंज का फॉर्मूला बताओ, इसमें दो बाकी सब में तीन. नेक्स्ट पे आते हैं, एल्बो जॉइंट किसका एग्जांपल है? एल्बो जॉइंट इज द एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट. एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है, यानी कि ये क्या है, हिंज जॉइंट है. ठीक है, 21 वाला छोड़ दो, नॉट इम्पॉर्टेंट. एक्सिस वर्टिब्रा ये भी छोड़ दो. चलो स्मॉलेस्ट बोन, लेकिन बताओ क्या होती है. ये एग्जाम में आ सकता है कि स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, स्टेप्स. और बिगेस्ट बोन कौन सी है, बिगेस्ट बोन कौन सी हो जाएगी, फीमर हो जाएगी. इसमें से फेशियल बोन कौन सी है, अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड दैट इज वोमर. ठीक है बेटा, 691 लाइक हो चुके हैं. नाउ कैन वी एम फॉर 700. नाइट्रोजिनस वेस्ट के एबनॉर्मैलिटीज के वजह से जो होता है दैट इज गाउट, है ना. उसमें यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स है इनका डिपोजिशन हो जाता है. नेक्स्ट पे आते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में क्रेनियम किसका बना है, क्रेनियम किसका बना है बताओ. जो जो क्रेनियम होगा वो बना है 8 बोन्स का, जिसमें से दो पेयर्ड हैं. रॉन्ग बता दो अबाउट हायोइड. हायोइड के बारे में रॉन्ग क्या है, निशा, एमी, नीति, राहुल, यशराज, निशा, आयु, दिशा. तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट है दैट इज दैट इट इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द बकल कैविटी, जबकि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी. ठीक है चलो 29 पे आते हैं, क्लेविकल आर्टिकुलेट्स विथ. क्लेविकल किससे आर्टिकुलेट करता है, एक्रोमियम प्रोसेस से क्या करता है, करता है. चलो फ्लैट बोन कौन सी है इसमें से, बिल्कुल फ्लैट बोन कौन सी है, चपटी बोन कौन सी होगी, क्वेश्चन नंबर 30. थैंक यू बेटा, थैंक यू. स्कैप्यूला एक फ्लैट बोन है. अच्छा एक कुछ अच्छा सा क्वेश्चन पूछूं, डैगर लाइक बोन कौन सी है, डैगर लाइक खंजर जैसी दिखती है वो बोन, कौन सी बोन खंजर जैसी दिखती है, डैगर लाइक बोन कौन सी है, इट इज व्हाट, वेरी गुड. चलो इट इज स्टर्नम बेटा, स्टर्नम होती है, ये एग्जाम में आता है. कैपरा, सीही, स्वप्निल, संस्कृति, राहुल, आयुष, राखी, अश. चलिए बेटा अब शुरू करते हैं अपन मसल्स का क्वेश्चन, मसल्स का क्वेश्चन करते हैं. ठीक है एक मिनट पानी पी लूं फिर मसल्स का क्वेश्चन करें क्या. हाँ आकाश, क्रॉस ब्रिजेस कब बनते हैं, तो क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम. ये कूल, चलो आगे बढ़ो. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल में क्या होता है, एक्टिन स्लाइड करती है ओवर दी मायोसिन. ठीक है बहुत बढ़िया. हाँ आकाश चलेगी चलेगी बेटा, दौड़ेगी. पुरकिंजे फाइबर्स क्या हैं, तो पुरकिंजे फाइबर किसके फाइबर्स हैं, थर्ड पे आवर बताओ. पुरकिंजे फाइबर्स आर मसल फाइबर्स, नर्व फाइबर्स और एक्सॉन और डेंड्रॉन.
पुरकिंजे फाइबर्स क्या होते हैं बेटा? ये नर्व फाइबर्स होते हैं जो मसल्स को सप्लाई करते हैं, ठीक है? थर्ड वाला क्लियर है कि नहीं है? स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स होते हैं ये, ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताइए। तो कार्डियक मसल में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होती है क्योंकि वो फुल टाइम काम करती है, कभी भी उसका फटीग नहीं आता है। ऐसे नोड बताइए, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? तो ऐसे नोड नोडल टिश्यू से बनी है, स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर से बनी है। रिगर मॉर्टिस मतलब डेथ के बाद मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, वो रिगर मॉर्टिस होता है, ठीक है? रेड मसल फाइबर्स आर मोरन। रेड मसल फाइबर किसमें ज़्यादा है? तो वही जो फुल टाइम काम करती रहती है बेटा, अनस्ट्राइप्ड मसल। जिस मसल्स पे क्या होगा? 8 पे आओ, बताओ। अनस्ट्राइप्ड मसल्स जहाँ स्ट्राइशंस नहीं है, विसरल, स्मूथ, इनवॉलेंट्री। कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल, मसल कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे होती है? सार्कोमियर। एपीमाइसियम ऑफ मसल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ। एपीमाइसियम छोड़ो, इसको वाइट फाइबरस है। मायोसिन डार्क क्यों अपियर होता है? क्योंकि वो उस पर डबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ATPase एक्टिविटी कहाँ पर मिलती है? मायोसिन में मिलती है, ठीक है? ATPase की एक्टिविटी कहाँ मिलेगी? मायोसिन में मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ मसल्स हमारी बॉडी में कितनी है? 639 मसल्स हैं। सबसे बड़ी स्मूथ मसल कौन सी होती है? सबसे बड़ी स्मूथ मसल कौन सी होती है? यूट्रस की मसल होती है ना? जब प्रेग्नेंट वुमेन की यूट्रस की मसल देखोगे, वो सबसे लॉन्गेस्ट है। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल क्या है? सबसे ताकतवर जॉ की मसल्स है। कोई काटता है तो कितना दर्द होता है ना? मसल्स ऑफ आयरिस और सीलियरी बॉडी एक्टोडर्म की है, बाकी सारी मसल्स किसकी होती है? मीजोडर्म की होती है। तो ये क्या है? ये एक एक्सेप्शन है। कार्डियक मसल फाइबर्स कैसे होते हैं? इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, थकते नहीं है, और इनमें स्ट्राइशंस प्रेजेंट है, दे आर स्ट्राइटेड। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स कहाँ प्रेजेंट है? स्ट्राइटेड मसल लेग में प्रेजेंट है। स्मूथ मसल फाइबर के बारे में बताइए। स्पिंडल शेप होती है, हाँ। अनब्रांच्ड होती है, हाँ। एक न्यूक्लियस होता है, हाँ। कंट्रोल में नहीं होती है, हाँ। बेसिक यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है सार्कोमियर। केमिकल आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, मसल कॉन्ट्रैक्शन। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किसने दी थी? हक्सले, हुक्सले, हैंसन सब ने दी थी। सबसे छोटी मसल्स कौन सी होती है? तो जो स्टेप्स पे होती है, स्टेपीडियस मसल्स। थिन फिलामेंट है, ठीक है, स्केलेटल मसल फाइबर की। स्मॉल ग्लोबुलर प्रोटीन जो मास्क करता है एक्टिव साइट को, इसे ट्रोपोनिन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, नर्व इम्पल्स कंडक्शन का ट्रांसमिशन करवाना है तो क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए। 27 पे आते हैं, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू, जब ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में हो जाता है, ठीक है? बस बेटा क्वेश्चंस होने वाले हैं। रैबिट है, बहुत तेज तेज भाग रहा है, थक गया। लैक्टिक एसिड्स हो गई एक्यूमुलेट। क्वेश्चन नंबर 29, सार्कोमियर होती है मसल फाइबर में। 30 पे आ जाओ, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट क्या है?
एसिटाइल कोलीन रिलीज होता है क्या? हाँ, सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल जो आता है मोटर न्यूरॉन से आता है, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में कोई भी बैंड इलोंगेट नहीं होता है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होता है। तो 30 का मतलब 1 ही करेक्ट है। फटीग क्यों आता है? तो फटीग आता है जब इसमें एक्यूमुलेशन हो जाता है लैक्टिक एसिड का। ठीक है बेटा, मुझे लगता है अपन ने 2 घंटे की मैराथन करी है और बहुत सारा क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो यहीं पर अपन क्लास एंड करते हैं आज की। मैं सभी नीट एस्पिरेंट्स को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ बेटा, दिल से। बहुत अच्छा पेपर देना, पीएम मैम का नाम रोशन करना। सेशन को बिल्कुल लाइक कर दो, अपने दोस्तों से शेयर कर दो। टेलीग्राम ग्रुप आपको दिख रहा होगा, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आती है, ठीक है। डू लाइक दी सेशन बेटा, ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों। कल बहुत शांत दिमाग से अच्छे से पेपर देना बेटा, है ना। स्नेही, सौरभ, राज, दिबस्मिता, आकाश, अनीश, मयूर, राखी, कृतिक, एमी, हिमांशी, गिरी, रमानी, कार्तिक, छवि, स्नेही, कुलदीप, समृद्धि, निशांत, ठीक है। चलो बाय बाय बेटा, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट बेटा।